हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू द इज एजुकेशन और आज की क्लास में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं कौन से चैप्टर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन ठीक है तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो हमारे क्लास ट्वेल्थ का कौन सा चैप्टर है एल्कोहल फिनोल एंड इथर उस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है ठीक है यहाँ पर जो एल्कोहल और फिनोल है इसको हम फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर में कम्प्लीट करेंगे और यहाँ पर जो सेकेंड पोर्शन रहेगा उसमें हम इथर के बारे में पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जिनके अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है तो अभी एग्जाम्स में आने वाला है और जो नीट के हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपने चैप्टर को ऑर्गेनिक कंपाउंडस कंटेनिंग ऑक्सीजन सबसे पहले हम एल्कोहल और फिनोल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एल्कोहल और फिनोल को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा लास्ट में जो है यहाँ पे ओल लगा हुआ है ओ एल ओल का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे ओ एच एल्कोहल ग्रुप की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हमारी ये जो टर्म है ना ओल इससे हम क्या समझते हैं ओल जो है वो इसलिए यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट द ओ एच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड तो एल्कोहल और फिनोल्स यहाँ पे कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ओ OH एच ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है ठीक है अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एल्कोहल की तो हम क्या कहेंगे मान लिया हमारे पास ये बेसिक एल्केन था आर एच और यहाँ पे मैंने क्या किया इस एच को मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे मैंने ओ एच OH को यहां पे ऐड करा दिया ठीक है तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आर ओ एच जिसको कि हम क्या बोलते हैं जिसको कि हम बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है ऐसे ही अगर मान लिया हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड था लाइक like बेंजीन रिंग जहाँ पे प्रेजेंट थी तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर हमारे पास था और यहाँ पे मैं इस तरीके से भी कोई कंपाउंड लिख सकती हूँ या फिर इसको बेसिक टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है ठीक है, 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 तो है? है तो एड कर दिया और यहां से भी मैंने जो ये हाइड्रोजन इस एरोमेटिक कंपाउंड से मैं हटा देती हूं अगर तो ये क्या बन जाएगा ए आर ओ एच तो बेसिकली ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा फिनोल या उसका डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट किया जाएगा ठीक है तो ये हमारे क्या है फिनोल या फिर क्या हो सकता है फिनोल डेरीवेटिव हो सकता है राइट तो ये हमें बात जो है वो ध्यान रखनी है यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा जो है बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं अल्कोहल से रिलेटेड हम क्या क्या बातें कर रहे होते हैं क्या क्या टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बेसिकली वो अल्कोहल्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहाँ पर वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा जैसे कि सी एच थ्री ओ एच तो इसको मैं क्या बोलूंगी मिथेनोल इसको नाम होता है और यहाँ पे एक ही ओ एच OH ग्रुप है तो ये क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है राइट तो जो भी कंपाउंड्स जहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही ओ एच OH ग्रुप प्रेजेंट हो बेसिकली वहां पे हम उनको क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जब हमारे दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे एल्कोहल्स को हम बोलेंगे डायहाइड्रिक एल्कोहल्स क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है दो एल्कोहल ग्रुप तो ओएच ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड का क्या बोलना होता है हमें दो कार्बन है तो इथेन राइट इथेन वन टू मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही कार्बन पर इथेन वन टू डाईओल ठीक है तो इस तरीके से हम इनका नोम भी कर सकते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब दो एल्कोहोल्स जहाँ पर हमारे तीन तीन ओ ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इस तरीके से भी मैं एग्जाम्पल लिख सकती हूँ क्या सी एच टू सी एच सी एच टू ओ एच ओ एच एंड ओ एच तो ये हमारा बेसिकली किसका एग्जाम्पल है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है ठीक है कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो ये हमारा बेसिकली क्या है ना क्लासिफिकेशन है कि हमारे जो अल्कोहल वाले कंपाउंड्स है ना वो मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक अलग अलग टाइप के हो सकते हैं उसके बाद हमें बात करनी है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स क्या होते हैं तो जब हमारा एल्कोहल ग्रुप दैट मींस, ओएच ग्रुप जो है ना वो कहां पर जुड़ा होगा प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो हमारा प्राइमरी एल्कोहल बोला जाएगा जैसे कि यहां पे मैं क्या लिख देती हूं सी एच थ्री सी एच टू एच तो यहाँ पे क्या है भाई ये जो कार्बन है ये हमारा कैसा कार्बन है प्राइमरी कार्बन है तो ये जो एल्कोहल जो बनेगा वो भी क्या बोला जाएगा प्राइमरी एल्कोहल बोला जाएगा ठीक है ऐसे ही सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब है कि जो हमारा ओ एच ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो किसी सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हमारा कौन सा एल्कोहल होगा सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट टर्चरी एल्कोहल टर्चरी एल्कोहल का मतलब सिंपल है कि ये जो हमारा कार्बन है ना जिसके साथ हमारा ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा कार्बन है टर्चरी कार्बन है तो वो जो एल्कोहल हमारा बना वो एल्कोहल भी कैसा होगा टर्चरी एल्कोहल हो जाएगा क्लियर है ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एल्कोहल एल्काइल एल्कोहल का मतलब है सिंपल हमारा कोई भी कार्बन की चेन होगी और उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे एल्काइल एल्कोहल बोलेंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पे सिंपल कोई भी ये है सब हमारे एल्काइल एल्कोहल है ना कि भाई हमारी नॉर्मल कार्बन की चेन है और वहां पर हमारा एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है अब उसके बाद है नेक्स्ट है, अलाइलिक एल्कोहल अलाइलिक एल्कोहल का मतलब क्या है यहाँ पे ये कार्बन है यहाँ पे है डबल बोंड ठीक है फिर ये कार्बन आया फिर यहाँ पे है कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या ओ एच ठीक है यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है कार्बन वगैरह जो भी है बट डबल बोंड से अगले कार्बन पर ठीक है डबल बोंन्ड से ये हमारा देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है डबल बोंड से ये डबल बोंन्ड है हमारे पास इस डबल बोंड से अगले कार्बन पर अगर ओ एच जुड़ा हुआ है तो इस तरीके के एल्कोहोल को मैं क्या बोलूंगी अलाइलिक एल्कोहल बोल दूंगी ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बेंजाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब है बेंजीन की रिंग और उसके ऊपर है यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे अगर ओ OH एच जुड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या बोलूंगी बेंजाइलिक एल्कोहल बोलूंगी ठीक है अगर हमारा जो ओ एच OH ग्रुप है ये बेंजाइल की रिंग के बाद जुड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या बोलूंगी बेंजाइलिक एल्कोहल बोल दूंगी नेक्स्ट है हमारे पास अराइलिक एल्कोहल एल अराइलिक का मतलब है हमारा यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन के रिंग के साथ अगर ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैं उसको क्या बोलूंगी अराइलिक एल्कोहल बोलूंगी ठीक है अराइलिक बेंजाइलिक अलाइलिक इन सब टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है अलाइलिक का मतलब है कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है और उससे अगली कार्बन पे अगर ओ एच जुड़ा हुआ है तो अलाइलिक बेंजीन की रिंग के ऊपर सी जुड़ा हुआ है और सी के साथ अगर ओ एच जुड़ा हुआ है देन इट इज बेंजाइलिक अल्कोहल और अगर की रिंग के साथ डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं अराइलिक अल्कोहल बोलते हैं ठीक है ठीके? ये हमारा जो कंपाउंड है जब बेंजीन के ऊपर ये ओवेच जुड़ा हुआ है इसको हम क्या नाम देते हैं वेल नोन कंपाउंड है तो ये हमारा कंपाउंड क्या होता है फिनोल होता है ठीक है तो ये बेसिक जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है ना इनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए अब उसके बाद हम क्या देखते हैं के बारे में हमारे जो one, होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोल जैसे कि मैंने बोला ये सी एच टू सी एच टू ओ एच एंड ओ एच तो ये क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन पर हमारा ओ OH एच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये जो हमारे वन टू डाय ओल बोल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोल बोलते हैं ठीक है ऐसे ही अगर हमारा वन थ्री डाईओल होता है वन थ्री डाईओल मतलब फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन और वन और थ्री पोजिशन पर हमारे दो ओ एच ग्रुप जुड़े हुए हैं वन और थ्री पोजिशन पर हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर अगर हमारे पास ओ ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मैं उसको क्या बोलूंगी वन थ्री डायओल या फिर मैं उसको बीटा ग्लाइकोल भी बोल सकती हूँ ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा वन टू थ्री एंड फोर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर अगर एल्कोहल जुड़े हुए हैं दैट मीन्स वन फोर की जब सिचुएशन है तो उसको क्या बोला जाता है एल्फा बीटा हो चुका है तो अब क्या आएगा गामा आएगा ठीक है तो इसको क्या बोलूंगी मैं गामा ग्लाइकोल ठीक है अच्छा अब उसके बाद हम देखते हैं अगर दो ओ OH एच ग्रुप जो है वो हमारे टर्मिनल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं मतलब एक हमने इस तरीके से कुछ भी कंसिडर कर लिया और यहाँ पे मैं क्या मानती हूँ कि यहाँ पर भी हमारा ओ OH एच जुड़ा हुआ है और इस तरफ भी मैं ओ OH टर्मिनल पोजीशन पर तो हम इसको क्या बोल देते हैं उमेगा उमेगा एल्कोहल उमेगा ग्लाइकोल या फिर ठीक है तो ये हमारी बातें हैं जो हमें सिंपली याद रखनी है तीन कार्बन है तीनों के साथ ओ OH है इस कंपाउंड को बोला जाता है क्या ग्लिसरोल तो ये बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है ये कंपाउंड हमने अभी अभी देखा था इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है फिनोल इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं फिनोल बोलते हैं अगर हमारा ओर्थो पोजिशन पर फिनोल की पोजिशन पर भी मैं अगर ओ एच ग्रुप लगा देती हूँ तो उसको मैं क्या बोलती हूँ कैचोल बोलती हूँ अगर मैं मेटा पोजिशन पर एक और ओ एच लगा देती हूँ अगर मैं पैरा पोजिशन पर ओएच लगा देती हूँ तो इसको मैं क्विनोल या फिर हाइड्रोक्विन बोलती हूँ ठीक है ऐसे ही अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ओ एच फिनोल है हमारा फिनोल की सेकेंड फोर्थ एंड यहाँ पे कंडीशन पोजिशन uh, देखो फर्स्ट पोजिशन ये हो गई सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो सेकेंड फोर और सिक्स पोजिशन पर मैंने फिनोल के क्या लगा दिया है एनओ टू ग्रुप लगा दिया है तो ये जो मेरा कंपाउंड बनता है इसको मैं क्या नाम देती हूँ पिक्रिक एसिड का अगर हमारा ओ OH एच है और उसकी जो ओर्थो पोजिशन है उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है सी डबल ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोला जाता है सैली एसिड ये कंपाउंड्स के नाम मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे यूज होंगे ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा और तब हमें है समझ में आना चाहिए ना कि इस कंपाउंड को हम इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि इनका आगे जाके यूज है पोजिशन पर सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोला जाता है सैलिसाइल एल्डिहाइड ठीक है इसको भी नोट डाउन कर लेंगे क्या है ये सैलिसाइल एल्डिहाइड उसके बाद है अगर हमारा सीओ सी एस थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे तो जो मेन ग्रुप है उसको सीओ सीओ थ्री सीओ सी एस थ्री को ही दिया जाता है मेन और जो ओ OH एच है वो हमारा साइड ग्रुप बन जाता है ठीक है उसको हम सेकेंड सेकेंडरी हमारा जो है ना वो जो है एज अ प्रफिक्स की तरह वो काम करने लग जाता है ठीक है तो ये हमारा क्या बोला जाएगा देखो यहाँ से वन टू थ्री एंड फोर तो फोर हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ठीक है क्या हो जाएगा फोर हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन क्लियर है चलो उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल तो जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो बेसिकली हमें पता है अल्कोहल कुछ इस तरीके से है ऑक्सीजन के पास यहाँ पर दो लोन पेयर है वो भी प्रेजेंट है ठीक है तो जब मैं अल्कोहल को ऑब्जर्व करती हूँ तो इज जस्ट काइंड जैसे हम वोटर के बारे में पढ़ते थे तो सेम उसी तरीके की हमारी स्ट्रक्चर आती है एच ओ एंड एच तो ये जो हमारी एच टू ओ की स्ट्रक्चर होती थी वो कैसी होती थी बैंट तो ऐसे ही हमारा जो अल्कोहल है वो भी इसी फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करता है बैन्ट फॉर्म में ठीक है यहाँ पे हमारे दो लोन पेयर होते हैं तो दो लोन पेयर होते हैं तो यहाँ पे हमें दो लोन पेयर जो है वो भी शो कर देने हैं और

अलग ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो भी देखेंगे बट पहले यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिससे हम कुछ क्या कर पाए फाइनलाइज कर पाए कि यहाँ पे क्या कंडीशन बनी हुई है ठीक है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये वाला बोन पेयर इस पोजिशन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी ठीक है अब उसके बाद फर्दर रेजोनेंस होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बोन इस ओर्थो पोजिशन पर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे क्या है ओ एच पॉजिटिव और ये हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट केस में ये यहाँ आएगा और ये वापस से ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो हमें वापस से यहाँ पे क्या मिल जाएगा फिनोल ठीक है तो ये हमारा बेसिकली क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं किसकी फिनोल की अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन है जो कि हमें क्या दिखाई दे रही है कार्बन तो ये वैसे भी क्या है sp2 टू है लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना ये तो हमारा सिंगल बोंड बना के रखे हुए है ना बेंजीन के रिंग के साथ लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डबल बोंड करेक्टर आ जाता है है ना और मैं क्या कह सकती हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के ये जो कार्बन है बैंजिन के रिंग का और ये जो ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन बोंड लेंथ जो है लेंथ जो है वो क्या हो क्या दिखती है हमें हाँ पे क्या है शोर्टर है छोटी है छोटी क्यों है क्योंकि रेजुनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया है डबल बोन्ड करेक्टर डबल बोंड करेक्टर जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी क्या हो जाती है शोर्टर हमें देखने को मिल रही है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं अल्कोहल अल्कोहल के केस में एज सच कोई और यहाँ पे रेजुनस वगैरह था नहीं तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल जो एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो जितनी कोवेलेंट बोन्ड होनी चाहिए तो हम एक नॉर्मल कोवेलेंट बोन्ड यहाँ पे ऑब्जर्व होती है ठीक है तो ये हमारे हो गए अल्कोहल और फिनोल के बारे में थोड़ी बेसिक जो है नॉलेज अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में अल्कोहल को सबसे पहले हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से अल्काइल हेलाइड की हेल्प से अल्काइल हेलाइड को जब मैं रिएक्ट करती हूँ एक्वस एन या फिर एक्वस के के साथ तो या फिर मैं ये भी ले सकती हूँ सिल्वर ऑक्साइड डॉट एच टू ओ मतलब मोइस्ट फॉर्म में हमने सिल्वर ऑक्साइड को यहाँ पे यूज किया है ठीक है तो आर एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें आर ओ एच में तो एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन करनी है विद एक्वस एन एच एक्वस के ओ एच या फिर डॉट एच टू ओ मोइस्ट ठीक है तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे हमें एलकाइल हेलाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट होता दिखता है एल्कोहल के अंदर ठीक है उसके बाद एल्डिहाइड का अगर मैं क्या कर देती हूँ रिडक्शन कर दे देती हूं क्या कर देती हूं एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देती हूं तो भी मुझे क्या देखने को मिलेगा अल्कोहल देखने को मिल जाएगा ठीक है ऐसे ही कीटोन जो है उसका जब मैं रिडक्शन करती हूं तो भी मुझे क्या ऑप्टेन होगा अल्कोहल मिलेगा बट एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से जो अल्कोहल मिलता है वो कैसा होता है प्राइमरी अल्कोहल होता है और कीटोन का रिडक्शन करने पर जो एल्कोहल मिलता है वो सेकेंडरी एल्कोहल मुझे ऑप्टेन होता है ठीक है क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ ये सारे के सारे जो हमने लिखे हैं ना ये सब हमारे क्या हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं मतलब ये अगर हमें एरो पे लिखे दिखाई देते हैं तो इनका काम होगा क्या रिडक्शन करने का और रिडक्शन के दौरान जो हमारा एसिड होता है ना वो एल्डिहाइड में एंड एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होकर एल्कोहल में चेंज हो जाता है एल आई एल एच फोर एच टू निकल एच टू पी टी एच टू पी डी सोडियम इथिन एन ए बी एच फोर ये सब हमारे क्या हैं ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनका काम होता है एसिड्स को एल्डिहाइड या फिर एल को एल्कोहल में फर्दर कन्वर्ट कर देना ठीक है तो ये बात हमें पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमने आर सी डबल ओ एच लिया और यहाँ पे हमने एल आई एल एच फोर यूज किया जो कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट था तो पहले इसको एल डी हाइड में बदलेगा फर्दर इसको फिर से रिड्यूस होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा तो सी एच ओ जो बनने के बाद फर्दर ये सी एच ओ को भी सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट कर देता है तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ क्या आर सी एच टू ओ एच एल्कोहल का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है अब यहां पे क्या देखती हूं ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहां से भी मुझे क्या मिलने वाली है एक तो ये वाली एल्कोहल और एक ये वाली एल्कोहल तो एक आर सी एच टू ओ एच यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा और एक आर डैश अगर इसको आर डैश मानती हूँ तो आर डैश ओ एच ठीक है तो दो मुझे अलग अलग तरीके की अल्कोहल जो है वो यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगी क्लियर है एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकती हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ इसकी मैंने डिडक्शन करवाई एन ए बी एच फोर के साथ तो क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच ठीक है अगर मैंने लिया सी एस थ्री सी सी एस थ्री और यहाँ पे है कीटोन इसकी अगर मैं रिडक्शन करा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा सी एस थ्री सी ओ एच एंड सी एस थ्री तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है ठीक है अब हम यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है क्या है पॉइंट रिडक्शन ऑफ सी एच ओ सी ओ सी डबल ओ आर मतलब एल डी हाइड सी एच ओ का मतलब क्या है भाई यहाँ पे एल डी हाइड या फिर क्या कीटोन या फिर मैं क्या कहूंगी एस्टर एल्डिहाइड कीटोन एस्टर इन सब का अगर मैं रिडक्शन करती हूँ यूजिंग कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम एथेनॉल एन ए सी टू एच फाइव ओ एच तो उस रिडक्शन प्रोसेस को मैं क्या नाम देती हूं रिडक्शन ठीक है तो यह हमें नेम रिएक्शन के फॉर्म में याद रख लेना है उसके बाद है नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट ठीक है क्या है ये हमारा आर एम जी एक्स क्या बोला जाता है <coughs> आर एम जी एक्स जो है वो हमारा बोला जाता है क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट ठीक है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हमें यहाँ पे बात करनी है अब यहाँ पे सिंपल सी बात है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के एक सिंपल सा पॉइंट हमें समझ लेना है आर एम जी एंड एक्स तो यहाँ से ये वाला बोन हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के केस में हमें क्लीव करना होता है क्लीवेज यहाँ पे आर और एम जी के बीच में देखने को मिलेगा ठीक है अब देखो वैसे तो जनरली हमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है बट कार्बन के साथ अगर उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा मेटल जुड़ा होगा तो उस टाइम तो कार्बन ही हमारा नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हुए अपने नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा ठीक है तो यहां पे जब इसका क्लीवेज होता है तो आर नेगेटिव बनता है और एम जी एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट बन जाता है ठीक है तो ये हमारा बेसिकली कार्बोनिल था और कार्बोनिल में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव एंड कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे आर के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव एंड एमजी पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बस उसके बाद तो बेसिकली हमें जो है एडिशन रिएक्शन वही कर दिखानी है क्या होगा यहां पे आर जो है वो यहां पे जुड़ जाएगा जाके तो यहां पे क्या बनने वाला है यहां पे हमारा बन जाएगा और पे जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो क्या होगा ये हमारा सी और यहां ये क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा ठीक है याद रखेंगे तो यहां पे बेसिकली मैं देखो तो ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट कंबाइन कर दो एच सी यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ये सी एच थ्री यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या हो गया ओ एम जी बी आर ठीक है अगले स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे सी एच एच सी एच थ्री ओ एच तो यहां पे हमें प्राइमरी एल्कोहल ओप्टेन होगा जब हम ट्रीट करेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट को किसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ठीक है एल्डिहाइड नहीं लेना सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लिया ठीक है फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हमने कोई और एल्डिहाइड लिया तो अब की बार क्या होगा ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा तो बेसिकली हमें मिलेगा सी एच थ्री सी ओ एम जी बी आर और यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे क्या है एच ठीक है और यहाँ क्या होगा सी एच थ्री सी ओ एच एन अब ये जो अल्कोहल हमें मिला है ये कैसा है सेकेंडरी एल्कोहल हमें अब की बार ऑप्टेन हुआ है ठीक है थर्ड हम केस देखते हैं क्या देखो फॉर्मेलडीहाइड यूज करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट सेकेंडरी हम यूज सॉरी uh, uh, कोई और एल्डीहाइड अदर देन फॉर्मेलडीहाइड अगर हम यूज करेंगे तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा जब हम उसको ट्रीट करेंगे विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट ठीक है उसके अलावा अगर मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे कि कीटोन लेती हूँ और कीटोन की, की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करती हूँ तो क्या होगा CH3 COMG BR और यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ भी क्या है CH3 फर्दर ऑन हाइड्रोलासेस इट विल गिव C CH3 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 एंड OH तो यहाँ पे बेसिकली हमें कौन सा अल्कोहल मिला है टर्चरी एल्कोहल ओप्टेन होगा जब मैं कीटोन की रिएक्शन रिएजेंट के साथ करूंगी अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ एस्टर का यूज करती हूँ तो यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे ऑक्सीजन के कार्बन जाएंगे और सी एस थ्री यहाँ अटैक कर देगा फर्स्ट स्टेप में तो सी एस थ्री देन सी ओ एम जी बी आर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओ सी टू एच फाइव और यहां जुड़ेगा सी एच थ्री ठीक है इतना काम होने के बाद क्या होगा यहां पे देखो कि ये जो है ना यहां पे जो है ओ एम जी बी आर होगा क्या यहाँ पे ये दो स्टेप में फॉर्मेशन होगा ये बोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे मुझे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ठीक है अब फिर से हमारा यहाँ पे रिएक्ट करेगा कौन सी एच थ्री एम जी बी आर और फिर यहां से फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा किसका टर्चरी एल्कोहल का किसका फॉर्मेशन हो जाएगा टर्चरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है तो ये सब रिएक्शन हम कर सकते हैं बेसिक सी बात है हमें सिंपल सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं फॉरमल्टीहाइड होगा तो हमेशा हमें प्राइमरी एल्कोहल ऑप्टेन होगा सेकेंडरी एल्कोहल है सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल ऑप्टेन करना है तो हमें कोई भी एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं और अगर कीटोन का यूज़ करेंगे तो टर्चरी अल्कोहल मिलेगा अगर हमने एस्टर यूज़ किया और उसकी रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की तो टू स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और यहाँ पर भी हमें टर्चरी अल्कोहल ऑप्टेन हो जाता है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाती हूँ विद ऑक्सीरेन तो ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा तो यहाँ पे जब मैं ऑक्सीरेन की बात करूंगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो सी है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा और यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा क्या सी सी एच टू सी एच टू यहाँ पर आ गया सी एच थ्री और ये क्या बन गया ओ एम जी बी आर ठीक है नेक्स्ट स्टेप में जब मैं करवाऊंगी हाइड्रोलस तो मुझे क्या ऑप्टेन होगा सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री और यहाँ पे क्या है ओ एच ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे भी मुझे एल्कोहल ओपटेन हो सकती है और वो भी कौन सी वाली प्राइमरी वाली एल्कोहल मुझे यहाँ पे ओपटेन हो सकती है ठीक है नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है कि अगर मैं एक्वस एन एच के साथ एस्टर को ट्रीट करती हूँ तो क्या होगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या होगा जो है देखने को मिलेगा क्या अल्कोहल का फॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूं आर सी डबल वन ओ एच प्लस आर ओ एच ठीक है तो इस तरीके से मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारा एस्टर जब है एन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी मुझे क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद मैं क्या देखती हूँ अच्छा ये जो हमारा है एन ही यहाँ पर कंबाइन रहेगा बाद में अगर मैं करती हूँ ना इसके रिएक्शन विद एच पॉजिटिव के प्रजेंस में तो फिर ये हमारा फर्दर चेंज हो सकता है किसके अंदर आर सी डबल ओ एच के अंदर ठीक है अगर मैं इसका फर्दर एच पॉजिटिव की प्रेजेंस इसको देती हूँ तो हमारा फिर ये एसिड बनेगा राइट उसके बाद है नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन एडिशन रिएक्शन मैं करवा सकती हूँ एल्कीन पर किसका एडिशन करवा सकती हूँ एच टू ओ का तो यहाँ पे एक कार्बन पर एच पॉजिटिव एड हो जाएगा और एक कार्बन पर ओ एच एड हो जाएगा और यहाँ से मुझे क्या ऑप्टेन होगा यहां से मुझे ओपटेन हो जाएगा क्या एल्कोहोल क्या ऑप्टेन हो जाएगा एल्कोहल ठीक है तो सिंपल है हमारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सी एच टू सी एच टू यहाँ पे ओ OH एच जोड़ दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब अब मैं इसको लिख सकती हूँ सी एच ठीक है ऐसे ही अगर हमारा इस तरीके से है तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगता है यहाँ पे लग जाएगा हमारा हमारा रूल 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 कौन सा रूल लगेगा रूल. जो जो कि कि क्या कहता है अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा डबल बोन के उस कार्बन पर जिसके पास है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा सिंपल सा है सी एच थ्री सी एच एच और यहां पे हाइड्रोजन जाएगा तो सी एच थ्री हमें मिल जाएगा क्लियर है सबको कोई दिक्कत नहीं होगी सर जो रूल है पहले भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार जो हमारा सॉरी मार्केनिकोव रूल है ठीक है कौन सा रूल है ये हमारा मार्केनिकोव रूल है जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं मार्केनिकोव रूल ठीक है उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं किस बारे में अगर हमारा यहाँ पे सिंपल है देखो अगर हमने नॉर्मल H2O का एडिशन करके फिर हम अल्कोहल बना रहे हैं तो वहाँ पर मार्केनिको रूल हमें लगाना है लेकिन अगर हमारा B2H6 जो कि क्या बोला जाता है डाइबोरेन B2H6 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ पे सॉल्वेंट हमने क्या यूज़ किया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या यूज़ किया है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हमने यूज़ किया है तो क्या होगा यहाँ पे हमें एल्कोहल ही मिलेगा ओ OH ही तुम्हें आँग करके यहाँ पे एडिशन ओ OH का और एच का करना है किस पर इस डबल बोन पर बट यहाँ पे एंटी मार्कनिको एडिशन होगा इट मीन्स जो हमारा नेगेटिव पार्ट है दैट इज़ ओ एच नेगेटिव वो कहाँ पर जाकर जुड़ने वाला है उस कार्बन के पास जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बन जाएगा बेसिकली आर सी एच टू एंड सी एच टू ठीक है बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है किसके जब हम यहाँ पे यूज करेंगे बी टू एच सिक्स वहां पर भी हमें वाटर का ही एडिशन करना है ठीक है चलो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे याद ये यूज करते हैं ये हमारी नेम रिएक्शन भी है ये कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सी मार्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन ऑक्सी डी डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है ये हमारे पास तो इस बारे में हमें बात करनी है यहां पर जब हम यूज करते हैं एच जी ओ एसी होल्डवाइज टी एच एफ की प्रेजेंस है एच टू ओ है तो यहाँ पर भी हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वहां पे ओ एच एल्कोहल ही मिलता है और डबल बॉन्ड ही यहाँ पे एल्किन से ही हमें ऑप्टेन हो रहा है और यहाँ पर भी एडिशन जो होगा वो हमारा मार्केनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही हमें करना है ठीक है तो सिंपल है नॉर्मल एच टू ओ का एडिशन अगर एल्किन पे होगा या फिर मर्क्यूरिक एसिडेट का हमारा एडिशन करवा रहे हैं तो दोनों ही हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल लेकिन अगर हमने डायबोरी विद टी एच एफ यूज किया तो उस टाइम पे हमारा एंटी मार्केनिको रूल के अकॉर्डिंग हमें अल्कोहल ऑप्टेन हो जाएगा ठीक है सिंपल पॉइंट हमें याद रखना है उसके अलावा अगर हमारे पास अमीन है और उसकी रिएक्शन हम एच ओ एन ओ के साथ करवा देते हैं तो हमें ऑप्टेन होता है क्या आर एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव जो कि फर्दर हमारा किस में फॉर्म कर, कर देता है क्या किसका फॉर्मेशन कर देता है एल्कोहल का फॉर्मेशन वो कर देता है बाद में ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ठीक है तो ये सिंपल सा पॉइंट भी हमें ध्यान रख लेना है उसके बाद हम बात करते हैं फिनोल के प्रिपरेशन की एल्कोहल तो हमने बना लिए एल्किस के थ्रू बना लिए एल्काइड्स के थ्रू बना लिए ठीक है अब हमें बात करना है कि हम फिनोल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं तो फिनोल के प्रिपरेशन के लिए बेसिकली हमें क्या करना है अगर हमें फिनोल का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले मैं बेंजीन के थ्रू कर सकती हूँ बेंजीन लिया मैंने ठीक है और बेंजीन की रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू एस ओ फोर प्लस एस ओ थ्री ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है ओलियम ठीक है जब मैं ये यूज करती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया एस ओ थ्री ठीक है अब इसकी मैं फर्दर रिएक्शन करती हूं किसके साथ एन ए ओ एच के साथ एन ए ओ एच के साथ, साथ रिएक्शन करने पे अच्छा तो मुझे यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा क्या एसओ थ्री एन ए ठीक है और फर्दर मैं इसकी जब रिएक्शन करती हूं तो मुझे मिलेगा ओ एन ए मीन्स सोडियम फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड और लास्ट में हाइड्रोलोसिस करने पे मुझे ऑप्टेन हो जाएगा क्या फिनोल ठीक है तो ये पॉइंट मुझे पता होना चाहिए उसके बाद है नेक्स्ट बेंजीन डायम क्लोराइड ये जो कंपाउंड है ना इसको क्या बोला जाता है बेंजीन डाय क्लोराइड इस कंपाउंड को जब मैं रिएक्ट करती हूं वाटर के साथ तो ही मुझे क्या ऑप्टेन होता है बच्चों फिनोल ठीक है उसके बाद है अगर मैंने क्या लिया सोडियम सोल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये जो हमारा कंपाउंड होता है ना देखो यहां बना देती हूँ ये जो हमारा कंपाउंड होता है ओ OH, एच और यहां पे जुड़ा होता है सी डबल ओ एच ये कंपाउंड को बोला जाता है क्या सेलेसाइलिक एसिड ठीक है क्या बोला जाता है सेलेसाइलिक एसिड ये जो सेलेसाइलिक एसिड है ना इसको इसका मैंने सोडियम सोल्ट लिया है मतलब एच को मैंने रिप्लेस कर दिया एने से तो सोडियम कैल्शियम सोल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड को मैं अगर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करती हूं तो भी मुझे यहां पे ऑप्टेन हो जाता है क्या फिनोल ठीक है यहां पे है हमारा बेंजीन बेंजीन के ऊपर है MgBr और जब भी हमारा RMGBR बनता है या ए आर एम जी बी आर है तो ये मेरा क्या बोला जाता है बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में किसके साथ करवाती हूँ हाफ ओ टू के साथ तो भाई ऑक्सीजन है ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेगा यहाँ पे ओ एम जी बी आर ठीक है अब इसका हाइड्रोलिस कर दूंगी तो क्या सिंपल है बच्चों यहाँ पे ओ एच बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा एम जी ओ एच एंड बी आर ठीक है ये सिंपल से हमारे स्टेप्स फॉलो करने हैं तो यहाँ पे हमने बेसिकली बहुत सारे वेज देखे जिससे कि हम फिनोल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट लाइक द डिफरेंट मैथड्स फ्रॉम विच वी हैव हाँ प्रिपेयर एल्कोहल्स ठीक है नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी और मेथड्स की कुछ और मेथड्स देख लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पे लिया है या बेसिकली मैं कह सकती हूँ अराइल हेलाइट्स में यूज़ करती हूँ ठीक है तो ये कंपाउंड मैंने लिया और इसकी रिएक्शन मैंने एन के साथ करवा दी टेम्परेचर मैंने सिक्स ट्वेंटी दिया और थ्री हंड्रेड का मैंने प्रो प्रेशर जो था वो प्रोवाइड किया तो यहाँ पे जो है सोडियम फिनोक्साइड बना और फिर बाद में हाइड्रोलोसिस करने पे मुझे ओब्टेन हो गया क्या फिनोल तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डोज प्रोसेस तो हमें ना इस प्रोसेस में क्या क्या रिएजेंट्स यूज हुए हैं वो भी अच्छे से पता होना चाहिए कि डोज प्रोसेस में एक्जेक्टली हो क्या रहा है अब उसके बाद मैं यहाँ पे रिएक्ट करती हूँ एक हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है एल्कीन लिया हुआ है और एल्कीन की रिएक्शन में बेंजीन के साथ कर रही हूं तो मेरा यहां पे बीच में आ, एक स्टेट फॉर्म होती है इंटरमीडिएट जिसको कि मैं क्या बोलती हूं क्यूमीन और क्यूमीन का फर्दर ऑक्सीडेशन जब मैं करती हूं तो क्या होगा ये कंपाउंड हमें मिल जाता है सी और एच के बीच में दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाते हैं और दोनों CH3 इधर साइड में जुड़े रहते हैं इस कंपाउंड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे मुझे मिल जाता है क्या फिनोल प्लस में सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एक कीटोन और दूसरा फिनोल सिंपल है कोई बड़ी बात नहीं है सिंपल सारी रिएक्शन हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है ठीक है उसके बाद है अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन एच सी एल और ओटू के साथ करती हूँ इन सर्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिएजेंट्स लाइक सी यू सी एल टू एफ ई सी एल थ्री ठीक है और या फिर मैं यहाँ पे सिंपली बोलूं कि ये जो हमारे तरीके है ना ये यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में जब हमें फिनोल का प्रिपरेशन करना होता है ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं रासिक्स प्रोसेस तो यहाँ पे हम बेंजीन के थ्रू पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं और फिर उस क्लोरोबेंजीन को हम हाइड्रोलाइज करके इन प्रेजेंस ऑफ एस आई ओ टू एंड एट फाइव हंड्रेड कैलमिन टेम्परेचर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनोल में ठीक है तो बेसिकली ये टू स्टेप ये हमारा प्रोसेस है इसको हम राशिक्स प्रोसेस बोलते हैं और ये जो प्रोसेस है ये हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल इन इंडस्ट्रीज ठीक है ये सिंपल पॉइंट हमें याद यहाँ पर रखना है उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स मतलब जो हमारे पास अल्कोहल हैं इनकी क्या क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्कोहल की तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कर, ये हमारे कलरलेस होती हैं लिक्विड होती हैं बर्निंग टेस्ट होता है एल्कोहल का ठीक है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिंपल सी बात है वहां पे ओएच OH ग्रुप होता है एल्कोहल के अंदर ठीक है एल्कोहल के अंदर ओ एच ग्रुप होता है ओ एच ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पे बात करती हूँ एल्कोहल में अगर मैं तीनों टाइप की अल्कोहल लेती हूँ तो प्राइमरी एल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्चरी एल्कोहल ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारी ज्यादा हो सकती है पहली बात तो और एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्चरी ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोल्युबिलिटी की तो लोअर मेंबर्स सोलूबल होंगे और हायर मेंबर्स इतने ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में डेंसिटी काफ़ी कम होती है जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है प्रेंजुल सोल्यूबल इन वाटर पानी में जो है घुल जाते हैं लोअर एल्कोहल्स तो आराम से घुल ही जाते हैं बट हायर एल्कोहल भी थोड़ा बहुत घुल जाते हैं बहुत ज़्यादा पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं तो ये बेसिक कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बाद हमें बात करनी हैं अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में सो so, बात करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में अगर हम एल्कोहल का यूज करते हैं और वहां पे सबसे पहले अगर मैं ओ और एच के बॉन्ड क्लीवेज की बात करती हूं मतलब अगर मैंने जो बॉन्ड क्लीवेज किया वो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज किया आर ओ एच ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल का तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे एल्कोहल की कौन कौन सी रिएक्शन्स हमें याद रखनी है कि वहाँ पे कौन सा इसका बिहेवियर रहेगा फिर हम बात करेंगे कि अगर आर और ओ के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो हमारी कौन सी रिएक्शन्स हैं फिर हम उन रिएक्शन्स के बारे में बात करेंगे एल्कोहल की जहाँ पर हमारा आर ओ और ओ एच दोनों ही बोन का क्लीवेज हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है हम आर ओ एच मैं ये वाला बोन तोड़ना है तो बेसिकली मैं क्या कहूँगी यहाँ पर आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाएगा ठीक है जब भी हमारा कोई अल्कोहल है यहां से एच पॉजिटिव बाहर निकल रहा है मतलब ये जो हमारी रिएक्शन होगी इन रिएक्शन के दौरान मुझे इन एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर ये जो हमारे पास अल्कोहल है ना इनका मुझे एसिडिक नेचर जो है ना वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिख सकती हूँ ना एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में इन रिएक्शन से मुझे पता चलेगा यहाँ पर जो हमारी अल्कोहल है वो एज एन एसिड रिएक्ट कर रही होगी ठीक है हमें पता है कि जब भी हमारे एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है है ना हाइड्रोजन गैस एवोल्व होती है वे वर मेटल रिएक्ट विद एसिड्स ठीक है तो यहां पे मैंने एल्कोहल के साथ सोडियम लिया तो सिंपल सी बात है देखो यहाँ पे ये एक एसिड की तरह बिहेव करते हुए और के बीच का यहां पर हो तो क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू ओ से बॉन्ड ब्रेक होगा ना और ओ नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा कौन एन ए पॉजिटिव और बाहर कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ बाहर इवोल्व हो जाएगी ठीक है सिंपल पॉइंट है उसके बात यहाँ पे सिमिलरली मैं देखती हूँ एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम पे मुझे पता है बच्चों सिंपल से कि चार्ज होता है है ठीक तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे होगा CS3, 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 और ये o. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम इस पे देखो एल्यूमिनियम पे मुझे पता है प्लस थ्री चार्ज होता है ऑक्सीजन पे माइनस वन तो क्लास टेंथ में याद करो कैसे हम लोग फॉर्मूला बना रहे होते थे इस थ्री को यहाँ लेते थे और वन जो है उसको एल्यूमिनियम के साथ तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला इसके लिए मुझे मिल जाएगा प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी जब हमारी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तब ठीक है अब हम उसके बाद देखते हैं क्या सिमिलर रिएक्शन होगी कब मेटल हाइड्राइड्स अगर मैं लेती हूँ उस केस में भी यहाँ पर भी सेम होगा आर ओ एन ए और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर इवोल्व हो जाएगी ठीक है ये वाली रिएक्शन बहुत ही नेक्स्ट कॉमन सी रिएक्शन है कि अगर मैं क्या लेती हूँ एसिड लेती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड लेती हूँ और दूसरा मैं क्या यूज करती हूँ एल्कोहोल का यूज करती हूँ तो एसिड और एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं एस्टर बना रहे होते हैं ध्यान से देखो अगर ये जो एल्कोहल मैंने यहाँ पे लिखा है ना इसको मैं क्या करती हूँ थोड़ा इस फॉर्म में लिख देती हूँ कैसे आर एंड एच ठीक है तो यहां से एच को बाहर निकालो और यहां से ओ OH एच को बाहर निकाला वोटर बाहर निकल गया ठीक है रिमूवल ऑफ वोटर हुआ जब भी एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वोटर बाहर निकला बचा क्या आर सी ओ आर ठीक है तो ये बेसिकली हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो गया और साथ में कौन बाहर निकल गया एच टू ओ जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है क्लियर है सबको कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये हम बेसिक रिएक्शंस देख सकते हैं जहां पर हमारा अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हमें देखने को मिल रहा होता है ये दो तीन रिएक्शंस याद रखेंगे मेटल के साथ मेटल हाइड्राइड्स के साथ या फिर एसिड्स एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एल्कोहल का ओ और एच के बीच का जो बोन है उसका क्लीवेज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है क्लियर है चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने अल्कोहल को आर एम जी एक्स के साथ रिएक्ट किया तो भी मेरा सैंपल है बिल्कुल क्या यहाँ पे R- डैश मैं, मैं पहले भी बता चुकी हूं R- डैश हमारा नेगेटिव रहेगा और एम जी एक्स हमारा पॉजिटिव पार्ट रहेगा ठीक है अब यहां से आर ओ एच में देखूँ अगर मैं तो आर ओ नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव तो बताओ क्या है इस रिएक्शन में मुश्किल जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ के क्या बना लेगा आर डैश एच बना लेगा और यहां से एम जी ओ और आर जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ से दूसरा क्या बनेगा भाई एम जी एक्स और इसके साथ आर ओ ये जुड़ गया ठीक है तो ये हमारा सेकेंड पोर्शन बन जाएगा मेन हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जब हमारा जो एल्कोहल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा? करेगा तो ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या कि आर सी ओ सी एल है ठीक है आर सी ओ सी एल मतलब एसिड क्लोराइड <coughs> एसिड क्लोराइड्स जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बिल्कुल सिंपल है देखो आर सी ओ और यहाँ पर हमारे पास क्या है आर डैश ओ एंड एच ठीक है तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करती हूँ एच जो है वो बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे आर सी ओ एंड ओ आर डैश बेसिकली यहाँ पे एस्टर का ही फॉर्मेशन हमें मिलने वाला है जब एसिड क्लोराइड्स एल्कोहल के साथ रिएक्ट uh, करें या फिर जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड वो अगर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करे दोनों ही केस में किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है एस्टर्स का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा होता है क्लियर है सबको चलो अब हम नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्या नेक्स्ट हम अल्कोहल की नेक्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस देखते हैं जहां पर की हमारा कार्बन ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे ओ OH, एच ऐसे ही होता है ना यहाँ पे कोई चेन हो सकती है तो अब की बार हम ये वाला बोन नहीं तोड़ रहे नहीं अब की बार हमें क्या करना है हमें, करना है? हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बोन को ब्रेक करना है वो वाली रिएक्शन हमें समझनी है कि कौन सी रिएक्शन में जो हमारा कार्बन एंड ओवेच जो है वो बोन हमारा ब्रेक होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बोन ब्रेक होता है और पूरा ओवेच अगर बाहर निकलता है रिएक्शन के दौरान तो वो रिएक्शन कौन कौन सी है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा फर्स्ट वन सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस में एच सी एल एंड टू तो यहाँ पर होगा क्या देखो ये वाली रिएक्शन है एसिड के साथ रिएक्शन होगी ओ एच OH यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव यहाँ पे ओ एच नेगेटिव और ये वाला कार्बन पॉजिटिव तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एल प्लस में एच टू ओ जो है वो हमारा जो है एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सिंपल है कर लेंगे हम इसको ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस है नेम रिएक्शन है ध्यान रखेंगे यहां पर बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एल्कोहल हम यूज कर रहे हैं ना तो इस प्रोसेस के दौरान हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं टर्शरी अल्कोहल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है टर्शरी अल्कोहल हमारे ग्रोव प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल से पी सी एल फाइव फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एर हैं क्लास ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक में तो वहाँ पर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स में कि यहाँ पे भी हमारा आर सी एल का फॉर्मेशन होगा और जो पूरा ओवे पार्ट है वो बाहर रिमूव हो जाएगा ठीक है पर भी आर सी एल का फॉर्मेशन होगा पर भी आर सी एल का फॉर्मेशन होगा बेसिकली ये सारी रिएक्शंस हमने कब पढ़ी थी जब हमने प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर एलका एल पढ़ी थी उस टाइम पर ठीक है तो यहाँ पे ये यह सारी रिएक्शंस हमारे कौन से बॉन्ड को ब्रेक करते हुए बन रही है आर और ओ के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके बनी है ठीक है नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन इनवॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बोथ एलकाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब यहाँ पे हमारे दोनों ही पार्ट ब्रेक हो रहे हैं मतलब वहां पे अल्काइल पार्ट में से भी कुछ ब्रेकेस हो रहा है ओ OH एच वाला पार्ट भी कुछ निकल रहा है तो जब हमारे दोनों ही तरीके के बॉन्ड्स हमें टूटने को देखने को मिले मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई ये कार्बन है और इसके साथ ओ OH, एच मतलब ये वाला पार्ट भी निकल रहा है और कार्बन में से भी कुछ हाइड्रोजन वगैरह निकल रहा है तो मतलब दोनों ही तरफ से बॉन्ड का क्लिवेज जब मुझे देखने को मिलेगा तो मैं क्या कहूंगी कि यहां कौन कौनसी रिएक्शन हो रही है यहां पे दोनों ही तरीके के बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं ठीक है थीके? सबसे पहला हम यहां पर देखते हैं क्या एसिडिक डिहाइड्रेशन ठीक है एसिडिक डिहाइड्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा है एसिडिक डिहाइड्रेशन इसमें H2O बाहर निकलता है H2O में से जो ओ OH एच है वो तो एल्कोहल का बाहर निकला और जो एच है वो हमारे आर ग्रुप जो है उसमें से एच बाहर निकलेगा जिससे कि ओवरऑल वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल पाएगा मतलब यहाँ पे दोनों टाइप की क्लीवेज होगी ना एल्काइल से भी और ओ OH एच ग्रुप की भी क्लीवेज हो रही है ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि जब भी एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा वहां पे सर्जिफ रूल फॉलो होता है सर्जिफ रूल हमें क्या कहता है मोर एल्कीन का फॉर्मेशन हमें करना है ठीक है क्या करना है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो हमारी ज्यादा स्टेबल होती है ठीक है तो उसी का फॉर्मेशन हमें करना होगा उसके बाद हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं टर्शरी सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी जो हमारा है अल्कोहल उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे बताई हुई है ठीक है जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यूरिंग एसिडिक डिहाइड्रेशन और उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी प्राइमरी की होगी ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो डेफिनेटली हम कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं मतलब ओ निकलने के बाद जब हमारा एच कार्बोकेटाइन बनेगा ना तो अगर उसका रियरेंजमेंट रिएक्शन के दौरान हो सकता है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं ठीक है तो यहां से मैं देखती फर्स्ट रिएक्शन सिंपल सिंपल है है क्या है पहले मैकेनिज्म पे, पे जाते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी सी एच थ्री ओ एच ठीक है एल्कोहल है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हाइड्रोजिनेशन होता है एच पॉजिटिव का अटैक मुझे यहाँ पे शो कर देना है ठीक है एच पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो उसी के ऊपर होगा है ना ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो यहीं पे अटैक होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगी सी एच थ्री ओ एच एच एंड ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज अब अगले स्टेप में होगा क्या यहाँ पे सिंपल है अगले स्टेप में मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ दो कार्बन तो एटलीस्ट होने चाहिए डिहाइड्रेशन होना है तो सी एच थ्री सी एच टू कंसिडर करके चलती हूँ ताकि मैं रिय, रिय, रिएक्शन कर पाऊं तो सी एस थ्री सी एच टू ठीक है अब अगले स्टेप में ये एच टू ओ मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा जैसे ही ये मोलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है दैट मींस माइनस एच टू ओ जब होता है तो क्या होगा सी एच थ्री और उसके बाद सी एच टू उसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव अब ये जो एच पॉजिटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना पूरा बॉन्ड शिफ्ट करके चला जाएगा माइनस ऑफ एच पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ठीक है तो किसका फॉर्मेशन हुआ एल्कीन का ये जो एल्कीन है इसका फॉर्मेशन करते टाइम मुझे सरचि रूल को ध्यान रखना है उसको फॉलो करते हुए चलना है कि जो हमें मोर सब्सिट्यूटेड एल्किन है उसका फॉर्मेशन करना है बिकॉज अकॉर्डिंग टू सरचि रूल वो हमारी ज्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगी ठीक है तो सिंपल मैकेनिज्म है यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा सी एच टू डबल्ड सी एच टू अब ये पॉइंट्स भी हम समझ सकते हैं कि पहली बात तो मोर हमें बनानी है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी अल्कोहल हमारा सबसे रिएक्टिव रहेगा रिएक्शन के दौरान उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम ये प्राइमरी वाला है ठीक है तो और अगर बीच में कार्बो कैटाइन बनता है जो कि डेफिनेटली यहाँ पे बनता है क्या बन रहा है ये कार्बो कैटाइन ही तो बन रहा है ना तो कार्बो कैटाइन जब बनता है तो वहां पर रियल जमेंट जो है वो भी पॉसिबल है फोर ठीक sure, है तो वहां पे रीअरेंजमेंट भी मुझे देखने को मिल जाएगी ठीक है ये कंडीशंस मुझे बस यहाँ पर ध्यान रखनी है अब यहाँ पे देखते हैं क्या टार्चरी अल्कोहल गिवन है तो टार्चरी के केस में क्या होगा सी एच टू डबल बोन सी एच सी CH3 एच थ्री एंड सी एच थ्री यहां पे भी हमारा बन जाएगा क्या देखो अब हमारे पास इस केस में देखो ये यह यहां से ओ OH एच निकलेगा ठीक है और नेक्स्ट कार्बन से हमें एच निकालना है तो तुम खुद से सोच के देखो भाई अगर यहां से हम निकालते हैं हाइड्रोजन तो हमारा C डबल बोन C, C डबल बोन C और यहां पे फिर क्या होगा C डबल बोन C और यहाँ पे सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री या तो ये बन सकता था या फिर अगर इस तरफ वाले ये वाला हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलता तो क्या बनता सी एच टू सिंगल बोन्ड सी डबल बोन्ड सी एच एंड सी एच थ्री ठीक है तो ये वाला जो हमारा डबल बोन है वो मोर सब्सिट्यूटेड है क्योंकि दो दो मिसाइल तो 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 मोर स्टेबल जो है हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है ना वो हमारी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन रही है क्लियर है सबको सिंपल है सिर्चिफ रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है

इसके बाद कि अगर जो हमारा एल्कीन बने वो मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन बन जाए क्लियर है चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में समझते हैं तो के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन एच एन ओ थ्री सी आर ओ थ्री ये सब क्या सब जो हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ठीक है क्या होते हैं स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ठीक है अब ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और अब स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने का दिक्कत क्या है कि ये हमारे जो एल्कोहल है ना उनका ऑक्सीडेशन करके उनको सीधा एसिड्स में चेंज कर देते हैं देखो सिंपल पॉइंट क्या है कि जो भी हमारे अल्कोहल होते हैं उनका अगर मैं क्या करती हूँ ऑक्सीडेशन करती हूँ यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखती हूँ मैं क्या करती हूँ अगर मैंने अल्कोहल लिया और मैंने उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो ये अल्कोहल जो है ना, वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है ठीक है बट ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनका मुझे यूज करना है ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रोंग हैं बहुत स्ट्रोंग हैं तो ये क्या करते हैं ना इन एल्कोहल्स को वो सीधा एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं एल्डिहाइड पे रोकना हो तो हम क्या करें है ना तो ये जो स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना ये एल्कोहल को सीधा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अब हमें अगर क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि भाई ये जो हमारा अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो तो हम क्या करेंगे फिर तो हम इनका यूज करेंगे और ये जो है हमारे ये जो सारे मैंने लिखे हैं ठीक है कौन से ये जो सारे मैंने लिखे हुए हैं ये हमारे कैसे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ठीक है कैसे हैं हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये जो है हमारे क्या है अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही लेकर जाते हैं और फर्दर उनको एसिड्स में ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं क्लियर है, है सबको तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई कौन कौन से रिएजेंट है देखो स्ट्रोंग में आते हैं के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन एच एन ओ थ्री सी आर ओ थ्री ये सब हमारे स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ठीक है ऐसे ही हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं कोलिंस रिएजेंट कोलिंस रिएजेंट क्या होता है सी आर ओ थ्री डॉट टू सी फाइव एच फाइव एन ठीक है यहाँ पे सीआर ओथ्री है और साथ में पिरीडीन जुड़े हुए हैं दो मोलिक्यूल्स पीसीसी का मतलब क्या होता है पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट पी सी सी ही दिखाई देगा ठीक है तो पिरीडीन क्लोरो क्रोमेट होता है ये और इसका जब हम यूज करते हैं तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और एल्कोहोल को टिल एल्डिहाइड ही ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा ठीक है थर्ड हम यूज कर सकते हैं पीडीसी विच इज प्रीडीन डाइक्रोमेट प्रिडीन डाइक्रोमेट ठीक है तो ये हमें यूज कर लेना है अब उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो पीसीसी का डबल बोन्ड का कोई रिलेशन है नहीं है इसका काम है एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाना तो यहाँ पे एल्कोहल है ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड सी एच सी एच ओ ठीक है यहाँ पे के एम एन ओ फोर है ये किस में कन्वर्ट कर देगा सी एच में PCC जो है वो किस में करेगा एल डी हाइड तक पहुंचाएगा के एम एन ओ फोर उसको एसिड तक पहुँचा देगा एसिड में कन्वर्ट कर देगा ठीक है यहाँ पे के एम एन ओ फोर अगर मैं यूज करती हूँ और यहाँ जो एल्कोहल मैंने लिया वो कैसा है सेकेंडरी एल्कोहल अगर है तो मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर

सी एच टू एंड देन सी एच थ्री ठीक है तो ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका फर्दर फिर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे फिर क्या आता है पोपोफ रूल एक रूल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं पोपोफ रूल ये पोपोफ रूल क्या कहता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इस तरीके से और जो हमारा कार्बोनिल वाला पार्ट है वो उस कार्बन की चेन की तरफ जाएगा जो छोटी है तो सिंपल सी बात है इधर दो कार्बन की चेन थी इधर एक कार्बन की चेन थी तो सी ओ इस तरफ जाएगा और यहाँ से हमारे टू सी एच थ्री सी डबल ओ एच का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे है ना तो ये हम कर सकते हैं इजीली अब उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा शायद कंप्लीट नहीं है तो मे भी मैं अभी इसको हटा सकती हूँ ठीक है चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि माइनस ऑफ हाइड्रोजन H2 टू का बाहर निकल जाना उसको मैं क्या बोलती हूँ डी रिएक्शन बोलती हूँ ठीक है तो यहां पे भी सिंपल सी चीज़ है क्या होने वाली है कि अगर मैं यहाँ से ओ OH एच का हाइड्रोजन निकाल दू और एक हाइड्रोजन में यहां से निकाल देती हूँ तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब यहाँ से सिंपल है कि एक H2 जो है हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकली है और ये रिएक्शन हमारी होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं यहाँ पे भी हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा सी एच थ्री देन उसके बाद यहाँ पे सी ओ एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एच थ्री अब यहाँ पे हमारे पास ओ OH एच है इसके पास हाइड्रोजन है कहां से हाइड्रोजन निकाले हम है ना तो यहाँ पे क्या कोई रिएक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी ठीक है तो ये हमें केस जो है वो ध्यान रख लेना है तो क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी है ना जो नॉर्मली हम यहाँ पे बना रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन एटलीस्ट वो रिएक्शन तो यहाँ पर नहीं ही हो पाएगी है ना हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस केस में यहाँ से पूरा ओ एच मोलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी किसी भी एक कार्बन से और अगर अलग अलग टाइप के कार्बन होते तो सिर रूल को फॉलो करना था और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा एल्कीन का जो फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ एच टू ओ हुआ है अगर हमारा कौन सा टर्जरी एल्कोहल हम लेकर चल रहे थे उस टाइम पर ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में फिनॉल के जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना तो हमें यहाँ पे क्या समझना है फर्स्ट पॉइंट कि फिनॉल जो है उसका नेचर कैसा होता है एसिडिक नेचर होता है तो ये है हमारा फिनॉल और फिनॉल जैसे ही अपना h पॉजिटिव बाहर निकले निकाल देगा तो यहाँ यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जा जाएगा तो ये जो हमारा बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं फिनोक्साइड आयन बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं फिनोक्साइड आयन तो फिनोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया और जो बेसिकली हमारा फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है तो इस वजह से जो फिनोल है वो हमारा एक अच्छा एसिड जो है कंसिडर किया जाता है ठीक है लेकिन अब दिक्कत कहां है दिक्कत यह है पे एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है बट इट इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम इसको कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड से कंपेयर क्यों कर रहे हैं जो है वो भी हमारा एक अच्छा एसिड होता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वहां पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एच पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी डबल ओ ओन नेगेटिव के अंदर ठीक है अब जैसे ही ये कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है यहां पर भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाईज है लेकिन यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड में जब रेजोनेंस होगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर मूव कर रहा है ऑक्सीजन पर मूव कर रहा है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर पाएगी अच्छे से यहां पर दूसरी जो है रेजोनेंस जहां हो रहा है वो भी नेगेटिव चार्ज है बट इनकेस ऑफ फिनोक्साइड आयन जब रेजोनेंस होगा तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बेंजीन की रिंग पर मूव करेगा और जो बेन्जीन की रिंग है वहां पे है कार्बन कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज इतने अच्छे से होल्ड नहीं करेगा जितनी अच्छे से ऑक्सीजन पे पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट तो इस वजह से जो हमारा फिनोल है वो भी एक अच्छा एसिड है बट एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड वो उससे कहीं ना कहीं हमारा एक वीक एसिड है एसिड है ठीक है फिर उसके बाद है फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल कि ये जो फिनोक्साइड आयन है ना वो फिनोल से ज्यादा स्टेबल है कहीं ना कहीं इसी वजह से फिनोल हमारा एक अच्छा एसिड है है ना तो यहाँ पर हम जब फिनोल की बात करते हैं सबसे पहले तो वो हमारा लेस स्टेबल क्यों है तो जब हम देखेंगे फिनोल को तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं उसने अपने लोन पेयर इधर रेजोनेंस में शिफ्ट कर दिए और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है कौन सा चार्ज रेजोनेंस के दौरान यहाँ पे इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो सिंपल सी बात है हमारी यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमने तो पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है घूमता रहेगा, रहेगा हमारा कैसा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा और अगर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा तो यहाँ पे क्या दिक्कत रहेगी यहाँ पे ये यह रहेगा भाई ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और रेजोनेंस के दौरान मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है विच इज नॉट गुड राइट और अगर हम बात करते हैं किसकी फिनोक्साइड आयन की तो फिनोक्साइड आयन में क्या डिफरेंस आ जाता है फिनोक्साइड आयन के केस में हमारा ऐसा रहता है कि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज था ठीक है ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से रेजोनेंस में मूव कर जाएगा और जैसे ही ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मल एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहेगा हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ था और अब बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में घूमती

हमारे एसिड्स होते हैं उनकी वो कितनी स्ट्रेंथ है कितना स्ट्रोंग एसिड है या वीक एसिड है वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर के ए वैल्यू के ए वैल्यू का मतलब सिंपल है यहाँ पे जब भी हम एसिड है हमारा वोटर में हमने इसको आ, को डाल दिया तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन गया और ए नेगेटिव बन गया ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ इसके लिए मैं लिखती हूँ रेट कांस्टेंट जो कि मेरा क्या होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड बाय हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ठीक है इस तरीके से मैंने लिखा अब नेक्स्ट स्टेप में मैं करती हूं के इन टू एच टू ओ इज इक्वल्स टू एच थ्री ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच ए अब ये जो टर्म आई है इसको मैं बोल रही हूँ ठीक है जो के ए है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है एच थ्री ओ पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पर है ना तो जितना ज्यादा एच थ्री ओ पॉजिटिव कोई एसिड दे सकता है उतनी ही ज्यादा उसकी के ए की वैल्यू होती है ठीक है तो बेसिकली मैं क्या बोल सकती हूँ के ए मोर इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रोंग एसिड होगा जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू रहेगी उतना ही हमारा एसिड भी कैसा रहेगा स्ट्रोंग रहेगा और जब मैं बात करती हूँ किसकी एक फॉर्मूला जो मैं डिफाइन करती हूँ पी के ए जो कि किसके बराबर होता है माइनस लोग के ए ये मुझे ध्यान रखना है ठीक है पी के ए जो है वो किसके बराबर है माइनस लोग के ए के बराबर है और यहाँ पर के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना स्ट्रोंग एसिड है इतना मुझे पता है लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यू हमारी पी के ए की आएगी मतलब के ए की वैल्यू जितनी हमारी ज्यादा होगी पी के ए की वैल्यू उतनी ही क्या होगी कम होगी ठीक है और के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होती है एसिडिटी होती है ठीक है और पी के ए की वैल्यू उतनी ही क्या होगी फिर कम होगी समझ में आ गई तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है पी के ए की वैल्यू जितनी कम उतना ही हमारा स्ट्रोंग एसिड रहेगा और के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही हमारा स्ट्रोंग एसिड रहेगा ठीक है कंपैरिज़न ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल अब हमें कंपेयर करना है एल्कोहल और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को तो एल्कोहल हमारा सिंपल है आर ओ एच जबकि फिनोल में हमारा हो जाता है भाई क्या यहाँ से ठीक है जैसे ही इसमें से मैं ये एच पॉजिटिव निकालूंगी तो ये बनेगा हमारा आर ओ नेगेटिव और आर तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर जिसकी वजह से उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है और आर ग्रुप और उसको इलेक्ट्रॉन देके इरिटेट करेगा ना कहीं ना कहीं तो उसकी एसिडिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और दूसरी तरफ फिनोल के केस को अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है फिनोल जैसे ही अपने इस एच को निकालता है तो बन जाता है क्या फिनोक्साइड आयन विच इज स्टेबलाइज बाय रेजुनेंस और इसमें स्टेबिलिटी होती है तो आराम से फिनॉल जो है वो फिनोक्साइड में कन्वर्ट होना चाहेगा जिससे कि उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सके और आराम से एच पॉजिटिव को भी बाहर निकाल दिया तो यहां पर हमारा फिनोल है वो जो डेफिनेटली ज्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा एज कंपेयर टू एल्कोहोल बिकॉज द फिनोक्साइड आयन फॉर्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव इज स्टेबलाइज बाय रेजुनेंस Clear है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूंट ऑन बेनजीन रिंग बेनजीन की रिंग पर सब्सटीट लगाने पर क्या फर्क पड़ेगा उसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी के ऊपर ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि सी एन हो गया एनओ टू हो गया हेलोजन हो गया तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं अगर फिनोल पर भी अगर वो लगे हुए होंगे ग्रुप्स तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को और जिससे कि वो और जल्दी करेगा कि एच पॉजिटिव मेरे पास से बाहर निकल जाए ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी कि जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं दूसरा है हमारा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक एन एच ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं वाया रेजोनेंस ठीक है तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू दे सकते हैं एन टू ओ आर वगैरह तो और आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा हाइपर कॉन्जुकेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपना क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो ये वाले ग्रुप जब लगे होंगे तो ये क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जब कमी महसूस होगी तभी तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे तो वहां पे क्या है भाई जो ये ऑक्सीजन है ठीक है ये ऑक्सीजन के पास सफिशियंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है तो ये इस बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा है ना तो ये वाला हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं क्या आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में रेजोनेंस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली एट ओर्थो एंड पैरापोजिशन जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है वो और पैरा पोजिशन पर ही अप्लाई होगा क्योंकि हमारे जो ग्रुप हैं अगर वो ओर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो सिंपल सी बात है पैरा के ऊपर ही इफेक्ट हम देख सकते हैं किसके केस में फिनोल के केस में तो फिनोल हमारा कैसा ग्रुप है ओर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ठीक है दूसरा हम यहाँ पे बात क्या करते हैं एसिडिटी को कंपेयर करते हैं तो पहला हमारा कंपाउंड है पैरा पैरानाइट्रोफिनोल तो ये हमारा बन गया क्या फिनोल और पैरा पोजिशन पर लगा हुआ है क्या एनो टू ग्रुप उसके बाद है ओर्थो नाइट्रोफिनोल नाइट्रो उसके बाद है नेक्स्ट मेटा नाइट्रोफिनोल मेटा नाइट्रोफिनोल और लास्ट में है हमारे पास फिनोल ठीक है अब उसके बाद मेटा देखो पैरा पोजिशन पे हमारा एनओ टू ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजिशन के ऊपर इफेक्ट हमारा सबसे ज्यादा लगता है कहीं ना कहीं तो पैरा के केस में एनओ टू जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी को बढ़ाने का काम करेगा और सबसे ज्यादा एसिडिटी हमारी पैरानाइट्रोफिनोल की हो जाएगी उसके बाद ओर्थोपोजिशन उसके बाद मेटा पोजिशन पर जो है जो हमारा देखो रेजोनेंस इफेक्ट है वो तो ऑर्थो और, और पैरा पोजीशन पर लगेगा है ना लेकिन ये जो है NO2 ये मेटा पोजीशन के थ्रू जो है हमारा कम से कम इंडक्टिव इफेक्ट तो लगा रहा है ना नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो किसी भी पोजीशन से लग सकता है तो उसके रिस्पेक्ट में ही इसकी जो है एसिडिटी उससे थोड़ी कम और सबसे कम हमारा नॉर्मल फिनोल है उसका केस रहेगा ठीक है उसके अलावा देखते हैं क्या टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल तो मतलब हमारा फिनोल है और उसके पास तीन तीन हमारे पास एनओ टू ग्रुप उस पे जुड़े हुए हैं ठीक है तीन तीन ग्रुप पर जुड़े हुए हैं टू फोर और सिक्स पोजिशन पर ऐसे ही हमारा है यहाँ पे क्या टू फोर डाइ नाइट्रोफिनोल टू और फोर पे हमारे दो दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं और नेक्स्ट है हमारा और सिर्फ और सिर्फ फोर नाइट्रोफिनोल तो सिंपल सी बात है एनओ टू इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है और विड ग्रुप है तो क्या करेगा एनओ टू अगर विद्रोइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इलेक्ट्रॉन को विद्रो करेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रो करेगा तो सिंपल सी बात है को बढ़ाएगा यहां पे तीन तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी और जहाँ पे एनओ टू ग्रुप सबसे कम है मतलब यहाँ पे एक ही एनो टू ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिटी सबसे कम होने वाली है और सबसे ज्यादा हमारी तीन तीन एनो टू ग्रुप लगे हुए हैं उस केस में होगी ठीक है नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं लोफिनोल मेटा हेलोफिनोल एंड पैरा हेलोफिनोल मतलब कोई भी हेलोजन अगर ओर्थो पे जुड़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ठीक है, है फिर यहाँ पे क्या है मेटा पोजिशन पे हेलोजन जुड़ा है और एक बार यहाँ पे हमारा कौन सी पोजिशन पर पैरा पोजिशन पर हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वहां पे क्या होगा एसिडिटी का ऑर्डर हमें बताना है तो तो हेलोजन जो है सिंपल सी बात है जो हेलोजन है वो हमारे कैसे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे कुछ काम करेंगे है ना और जब यहाँ पे हेलोजन की बात आएगी तो सबसे ज्यादा हमारा ओर्थो पास बढ़ेगा तो ओर्थो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा फिर मेटा और सबसे दूर पैरा पड़ जाता है तो वो अपना इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लगा पाएगा ठीक है तो इस वजह से पैरा हेलोफिनोल सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा उसके बाद है ओर्थोक्लोर रो मतलब हमारा अगर पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ठीक है पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ब्रोमो मतलब पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ओर्थो ओर्थो आयोडोफिनोल है अगर हमारे पास तो यहाँ पे आयोडीन है और फ्लोरो जो है उसके केस में यहाँ पे हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई फ्लोरीन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लगा रहा था तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए राइट लेकिन फिर भी फ्लोरिन जो है ना वो हमारा सबसे लीस्ट हो जाता है पहले क्लोरिन फिर ब्रोमिन फिर आयोडीन और सबसे कम एसिडिटी ओर्थोफ्लोरो फिनॉल की होती है ठीक है तो इसका रीज़न सिंपल ये रहता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है और इसका जो हाइड्रोजन है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस वजह से ये होता है कि यहाँ पर ये हमारा लीस्ट एसिडिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं होता टू तो डोनेट या फिर टू तो या जो हाइड्रोजन है उसको निकालना इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं फिनोल मेटाक्रिसोल पैराक्रिसोल ऑर्थोक्रिसोल एक तो है हमारे पास नॉर्मल फिनोल एक है हमारे पास मेटा पोजिशन पर क्रिसोल मैटाक्रिसोल का मतलब है मेटा पोजिशन पर सी एस थ्री लगा हुआ है पैराक्रिसोल का मतलब है, है पैरा पोजिशन पर CH3 जुड़ा हुआ है और क्रिसोल का मतलब है 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 कि पोजिशन पर OH जुड़ा हुआ ठीक तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि सी एच थ्री जो है वो एक तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है दूसरा ये हमारा क्या शो करता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो कर रहा होता है तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी कि यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप जब यहाँ पे जुड़ा होगा ओरथो पोजिशन पर तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा और सबसे ज्यादा दूसरा यहाँ पे क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन तो शो करेगा ही करेगा तो दोनों इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा लगेंगे तो ये हमारा लीस्ट एसिडिक हो जाएगा फिर उसके बाद पैरा पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और यहाँ पे क्या है भाई प्लस आई तो दे ही रहा है मैटा जो है वो इससे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि मैटा पोजिशन पर ये सिर्फ और सिर्फ प्लस आई

दो हमारे यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है क्या गिवन है यहाँ पे देखेंगे इसकी मेटा पोजिशन पर ओ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा एनएच जुड़ा हुआ है ठीक है तो दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखो वैसे तो ये ओ सी एच थ्री है ये भी रेजुनेंस कर सकता है बट ये क्या है पहली बात तो यहाँ पे मेटा पोजिशन है तो इस चीज का हम ध्यान देंगे ये कौन सी पोजिशन है मेटा पोजिशन तो मेटा पोजिशन पर हम सिर्फ यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ही ये लगा पाएंगे चाहे एनएच टू हो चाहे ओसीएच थ्री ग्रुप लगा हुआ हो अब हमें पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींच पाएगा जिसकी वजह से ओ OH जो है वो अपने एच को आराम से बाहर निकाल पाएगा ठीक है तो इस वजह से ये कंपाउंड हमारा ज्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल तो जब हम फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देखो सिंपल है जब हम फिनोल को रिएक्ट करते हैं विद जिंक डस्ट तो फिनोल विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल रिएक्शन है फिनोल को तुम्हें ऊपर से ओएच OH हटाना है तो यहां से इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कर दो ठीक है अमोनिया एनएच के साथ तुम रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस जेड एन टू तो यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से पूरा ओ OH निकलेगा माइनस ऑफ एच टू ओ हो जाएगा बेसिकली और यहाँ पर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा किसका एनिलीन का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सी के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा तो यहाँ से सी एल निकलेगा और यहाँ से एच निकलेगा मतलब बेसिकली एच सी एल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में यहाँ पर मिल जाएगा हमें ओ सी एच थ्री ये हमें कंपाउंड मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारी है कि हम यहाँ पे इसके रिएक्शन फिनॉल की करवाते हैं किसके साथ एसिडिक एंड हाइड्राइड के साथ देन व्हाट विल हैपन तो एसिडिक एंड हाइड्राइड के साथ रिएक्शन तो करने पे हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो सी एच थ्री सी ओ ओ और ये एच तो एक हमारा तो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा एसिड और ये जो एक पार्ट है दो में से एक पार्ट इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ की एल सी एल थ्री रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पे ओ एच OH ग्रुप और सीओ सी एस थ्री यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इस तरीके का प्रोडक्ट हमें यहाँ पर ऑप्टेन होने वाला है ठीक है सी सिक्स एच फाइव सी एल है तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा यहाँ पे हमारा O C O और यहाँ पे सी सिक्स एच फाइव इस तरीके से हमारा एच सी एल बाहर निकलेगा और बाकी का जो पूरा पोर्शन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है सी एस थ्री एम जी बी आर तो सीएस थ्री यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है एम जी बी आर पॉजिटिव पार्ट है ओ पे नेगेटिव पार्ट है एच पे पॉजिटिव पार्ट है है ना तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट के साथ ये एच जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सी एच फोर बन जाएगा और ओ जो है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हमारा एम जी बी आर तो यहाँ पे ये बन जाएगा ओ एम जी बी आर ठीक है उसके बाद है हमारी नेक्स्ट इजी सी रिएक्शन थी आराम से हो जाएंगे इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ठीक है नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है फिनोल की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के साथ कराती हूँ एक्वस भूम में मैंने अगर ब्रोमीन लिया तो यहाँ पे क्या होता है भाई फिनोल जो है ना सेम जैसे हम एनिलीन का केस पढ़ते थे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देता है टू आरसरिंग जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो ओरथो पैरा मेटा हर पोजीशन के ऊपर हमें सॉरी तीनों और पैरा तीनों पोजीशन के ऊपर हमें ये जुड़ता हुआ दिखाई देगा ठीक है हर और पे हर पैरा पे ही जुड़ जाएगा ब्रोमीन जाके लेकिन अगर ब्रोमीन को मैं यूज करती हूँ इन सी एस टू या फिर सी सी एल फोर सोलवेंट का यूज करके तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसका हमें लिमिटेड एडिशन देखने को मिलेगा यहाँ पर मुझे ओरथो प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में पैरा प्रोडक्ट जो है वो फिनोल का अलग से मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा उसके बाद है फिनोल की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट थ्री के साथ करती हूँ तो क्या होगा तो ध्यान रखेंगे भाई डाइल्यूट थ्री जब है ना तो मेरा सिंपल एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है और एक मुझे मिल जाएगा यहां पे पैरा प्रोडक्ट ठीक है लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट एच थ्री की जगह है क्या यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एच ओ फोर और एच थ्री का मैंने यूज किया तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे फॉर्म होने वाला है एसिड एसिड मतलब two, four and six. तीनों ही पोजीशन पर एनो टू ग्रुप लग जाएगा और इस कंपाउंड को बोला जाता है क्या पिक्रिक एसिड या फिर हम आईयूपीएसी के हिसाब से देखें तो क्या बोलेंगे टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल ठीक है तो ये हमें जो कंपाउंड है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करने पे कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है उसके बाद में यहाँ पे देखती हूँ नेक्स्ट नाइट्रोसेशन रिएक्शन ध्यान रखेंगे नेम भी है नाइट्रोसेशन रिएक्शन यहाँ पे मैंने फिनोल को फर्स्ट स्टेप में ट्रीट किया विद एनी एंड एच जिसकी वजह से हमारा पैरा पर ग्रुप जुड़ गया, ठीक है? फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में एच टू के साथ फर्दर रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या बन गया नाइट्रो नाइट्रोफिनोल बन गया ठीक है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है नाइट्रोसेशन रिएक्शन जिसमें मुझे पैरा नाइट्रोफिनोल जिसकी हेल्प से मैं बना सकती हूँ उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मैं फिनोल लेती हूँ और फिनोल की रिएक्शन करती हूँ किसके साथ सी एच थ्री सी एल के साथ ठीक है तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन रिएक्शन होगी सेम रिएक्शन हमने हेलो एल्केन्स हेलो एल्केलोर जो चैप्टर पढ़ा है वहाँ पर भी हमने की है ठीक है तो यहाँ पर हमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑप्टेन हो जाएंगे एक हमारा रहेगा ओर्थो प्रोडक्ट और दूसरा हमें मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट ठीक है तो यहाँ से Thank <laughs> you. एक हमें ओर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा और दूसरा मिल गया हमें पैरा प्रोडक्ट ये जो ओरथो और पैरा प्रोडक्ट है उसका हमें यहाँ पे ये क्यों ऑप्टेन हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि जो फिनोल है वो हमारा कैसा ग्रुप है ओरथो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो सिंपल सी बात है हमें यही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने रिएक्शन की विद कॉन्सेंट्रेटेड एच तो और यहाँ पर टेम्परेचर हमने जो है थोड़ा सा हाई दिया मीन्स अराउंड थ्री 73 केल्विन के अराउंड हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा हमारा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब जो एसओ थ्री एच ग्रुप आने वाला है वो पैरा पोजिशन के ऊपर जुड़ जाएगा ठीक है और वही अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा लो प्रोवाइड किया अराउंड 288 एटी एट टू टू नाइन्टी तो वहां पे हमें ओर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजरली मिलने वाला है वहां पे हमारा ओरथो पोजिशन पे एसओ थ्री एच ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा ठीक है तो ये बेसिक हमारी रिएक्शन थी उसके बाद हम बात करते हैं क्या कुछ स्पेशल रिएक्शन किसकी फिनोल की तो यहाँ पे क्या है फिनोल जो है उसकी कुछ नेम रिएक्शन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी रिएक्शन तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कोलवेज रिएक्शन कोल्वेज रिएक्शन में हमें डायरेक्टली फिनोल से यूज़ नहीं करते फिनोल का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर बेसिकली हम स्टार्ट किससे कर रहे होते हैं सोडियम फिनोक्साइड से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनता है वो हमारा बनता है सैलिसाइलिक एसिड ठीक है तो यहाँ पे फिनोल के बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं सोडियम फिनोक्साइड का हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है सोडियम फिनोक्साइड का हम यूज़ कैसे मतलब कैसे बना सकते हैं बेसिक है फिनोल के रिएक्शन एन के साथ करेंगे तो वो सोडियम एच टू बाहर निकल जाएगा और ओ एन ए हमारा वहां पे बन जाएगा पैंजीन के रिंग पर तो सोडियम फिनोक्साइड की जब हम फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ सी के साथ तो हमारा फिर हमें ये कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अराउंड फोर हंड्रेड टेम्परेचर रखो फोर टू सेवन एटमोस्फेयर का प्रेशर रखो ये सब कंडीशन जब हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा ओ सी डबल ओ एन ए जो कि रिअरेंजमेंट करके हमारा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा ठीक है फिर उसके बाद हम H पॉजिटिव के प्रजेंस में इस एन को रिप्लेस करवा देंगे बाय H और यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड ओप्टेन होता है इस रिएक्शन के दौरान वो क्या होता है सैलिसाइलिक एसिड बेसिकली जो हमारी कोल्ड बेस रिएक्शन है उससे हमें फिनोल से हम कहाँ पहुंच सकते हैं सैलिस एसिड तक पहुंच सकते हैं कोलबेज के नाम से ना दो रिएक्शन हैं एक है कोलबेज इलेक्ट्रोल रिएक्शन वो दूसरी है और यहाँ पे ये कौन सी है नॉर्मल कोलबेज रिएक्शन है तो अच्छे से इसको ध्यान रखना है इसके सारे स्टेप्स उसके बाद यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे पहले अपने पास वही सोडियम फिनोक्साइड था ठीक है क्या था सोडियम फिनोक्साइड था और सीओ के ऊपर अटैक हुआ कैसे जैसे ही पेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स ने कार्बन के ऊपर अटैक किया क्योंकि कार्बन का, के ऊपर कहीं स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम लेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर ठीक है तो उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे फिर रियल ये जो एच है वो यहाँ से बाहर निकल गया ठीक है एच जैसे ही अपना यहाँ से बाहर निकला तो कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास तो ओ एच बना लिया और यहाँ पे सी डबल ओ एन ए बन गया एच पॉजिटिव के प्रजेंस में हमारा सैलिस एसिड हमें ऑप्टेन हो गया ठीक है ओके वेट फॉर अ मिनिट राइट right. अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिमर टीमन रिएक्शन के बारे में सो so, जो रिमर टीमन रिएक्शन है वो हमें बेसिकली यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर हम फिनोल लेते हैं फिनोल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ हमें यहाँ पे रिएक्शन इसकी करवानी होती है क्लोरोफॉर्म के साथ जब फिनोल रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस एन और टेम्परेचर की कंडीशन थ्री फोर्टी तो हमें क्या मिलता है? है यहां पर सेलीसाइल एल्डिहाइड ध्यान रखना भाई यहाँ पे ये क्या है सेलीसाइल एल्डिहाइड डी यहाँ पे हमारा फिनोल के ऑर्थो पोजिशन पे सी डबल एच ग्रुप को जुड़ा था यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप जुड़ता है ड्यूरिंग रिमर टीमन रिएक्शन ठीक है मैकेनिज्म एकदम सिंपल है क्या होगा भाई हमारे पास सी एच सी एल थ्री और एन यू एच बेस प्रेजेंट है दोनों आपस में इंटरेक्ट करके और यहाँ पे सी सी एल थ्री बनाएंगे और एच टू बाहर निकल जाएगा फिर अगले स्टेप में यहाँ से एक क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकलेगा और ccl2 का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारी एक कार्बिन होती है ठीक है ये जो कार्बिन है यही हमारी अटैकिंग स्पीशीज यहाँ पर रहती है ठीक है तो ये कार्बिन हमारा सोडियम फिनोक्साइड के ऊपर इस तरीके से अटैक करती है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग के इनके थ्रू अटैक होता है और यहां पे सी सी एल टू कम्बाइन हो जाता है फिर एक एच पॉजिटिव इसकी एरोमेटिसिटी वापस देने के लिए भी को यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे ओ एच बन जाएगा और यहाँ पे सी सी एल टू देन दो एच पस एन ओ एच की प्रेजेंट में प्रेजेंस में यहाँ पे सी एल टू जो है वो दोनों ओ OH एच से रिप्लेस हो जाएंगे और फिर एक ही पोजिशन पे दो OH नहीं एग्जिस्ट कर सकते तो इस वजह से सी एच ओ में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म भी हम समझ सकते हैं कार्बीन इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहता है एज एन इंटरमीडिएट हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे ना इलेवेंथ में जब हम पढ़ रहे थे जी ओ सी वहां पर तो कार्बीन यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहा होता है ठीक है चलो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कपलिंग रिएक्शन के बारे में तो जब बेसिकली हम कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है बेंजीन डाई क्लोराइड जो है ना उसका यूज़ करना होता है और इसकी रिएक्शन हम आ, एनिलीन के साथ फिनोल के साथ करवा के कलरफुल डाइज का फॉर्मेशन कर सकते हैं यूजिंग दिस कपलिंग रिएक्शन तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन के दौरान मुझे क्या यूज़ करना है सबसे पहली बात तो ये कि मुझे यूज़ करना है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ठीक है इसका मुझे बेसिकली यूज करना होता है ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसका मैं यूज करती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ हमारा कंपाउंड मान लो मैंने फिनोल लिया ठीक है तो फिनोल के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो फिनोल के जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा सिंपल सी बात है और यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जिसकी वजह से यहाँ से एच रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या है एक डाई का फॉर्मेशन जो है ना हमें देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें ये कंपाउंड मिल गया और ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये हमारा फिनोल से मिला है तो ये जो डाई हमारी बनती है ना ये कौन से कलर की डाई होती है ऑरेंज कलर की जो है डाई यहाँ पे हमें ओपटेन हो जाती है ठीक है ऐसे ही अगर मैं बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड यूज करती हूँ और उसकी रिएक्शन मैं कर देती हूँ किसके साथ उसकी रिएक्शन मैं कर देती हूँ यहाँ पे एनिलीन के साथ तो एनिलीन के साथ रिएक्शन करने पर भी हमारा सेम प्रोसेस होगा कि भाई इसके पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर भी हमें एक जो है ना डाई ऑप्टेन हो जाएगी ये जो डाई होती है ये हमारी कैसी रहेगी एनिलीन से बनी हुई डाई है तो एनिलीन की वजह से जो इसमें कलर आता है डाई का वो क्या रहता है येलो कलर रहता है ठीक है तो इस तरीके से हम कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हैं जब बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड को एल्कोहोल्स और फिनोल्स के साथ रिएक्शन की करवाई जाती है तो वहां पे हमें अ क्या मिलता है डाई मिलती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं जो कि हम कपड़ों में डालने के लिए यूज भी कर रहे होते हैं ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद फॉर्मेलिटी कि अगर मैं रिएक्शन किसके साथ करवा देती हूँ फॉर्मेलिटी के साथ करा देती हूँ तो क्या होगा फॉर्मेलिटी के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमारा सी एच टू ओ एच पैरा प्रोडक्ट हमारा बन जाता है यही अगर एन सी एच टू ओ एच हमारा पोलिमराइज हो जाए मतलब बहुत सारी ऐसी यूनिट आपस में कंबाइन होती चली जाए तो यहाँ पे हमारा पोलिमराइजेशन रिएक्शन हमें देखने को मिल जाती है और एक पोलीमर हमारा बन जाता है जो तो हमारा इस कंपाउंड से पोलीमर बन रहा है इस कंपाउंड को बोला जाता है क्या बेकेलाइट ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है बेकेलाइट होता है और ये कंपाउंड यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिक स्कल स्विचेज होते हैं है ना जो हमारे बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड उसमें जो वाइट कलर का वो जो मटेरियल होता है ना जैसे बोर्ड बने हैं स्विचज़ बने हैं वो बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेकेलाइट का यूज़ करते हैं जिसकी हाई थर्मल रेजिस्टिविटी होती है ठीक है तो ये सिंपल पॉइंट है भाई फिनोल की रिएक्शन जब हम फॉर्मैलिटी के साथ करेंगे तो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें ओर्थो और पैरा पोजीशन पर सी एच टू ग्रुप लगाना है अगर हम एन यूनिट्स को कंबाइन भी करते हैं तो हमें यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही होती है क्लियर है सबको चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहाँ पे टेस्ट पर क्योंकि हमने अभी अल्कोहल और फिनोल के बारे में बहुत कुछ बातें पढ़ ली है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो एल्कोहल है या फिर ये जो फिनोल है ना इनको हम डिफ्रेंशिएट वगैरह अगर करना पड़े कभी तो हम क्या क्या टेस्ट यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला टेस्ट है हमारा लीबर टेस्ट ठीक है कौन सा टेस्ट है लीबर टेस्ट है यहाँ पे इस टेस्ट के दौरान मुझे क्या करना होता है मुझे फिनोल लेना होगा और इसकी रिएक्शन मैं एच एन टू के साथ करवाऊंगी जिससे कि फिनोल बनेगा फिर रीअरेंजमेंट होके और यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है जो कि फ़र्दर फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेता है और फिर इंडोफिन का फॉर्मेशन करता है ठीक है इंडोफिनोल हमारा रेड कलर का कंपाउंड होता है ठीक है और इस रेड कलर के कंपाउंड में जैसे ही तुम बेस डालोगे एन एच तो वो रेड से ब्लू कलर का हो जाता है ठीक है तो यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें कहीं ना कहीं फिनोल प्रेजेंट है भाई सिंपल है कंपाउंड दे दिया हमें नहीं पता कि इसमें फिनोल है या नहीं है हम क्या करेंगे उसमें एचेनो डाल देंगे ठीक है एचेनोटू जैसे ही तुम डालोगे अंदर कुछ रिएक्शन होगी और फिर उन रिएक्शन की वजह से बाद में तुम्हें क्या करना है भाई वहां पे थोड़ा और फिनोल उसमें ऐड कर देना है तो यहां पे जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान यहां पे सिंपली हमें इंडोफिनोल ऑप्टेन होगा जो कि रेड कलर का होता है और ये इंडोफिनोल में जैसे ही एन ओ एच एड करूंगी तो वहां पर मुझे क्या ऑप्टेन होगा ब्लू, ब्लू कलर ऑप्टेन हो जाएगा जिससे कि कन्फर्म हो जाएगा इस केमिकल जो कि हमें मिला है उसमें एन प्रेजेंट है ठीक है तो लिबरमैनस टेस्ट हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल मतलब फिनोल ही ये रिएक्शन कर सकता है नॉर्मल अल्कोहल हमारी ये रिएक्शन नहीं करती है ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फिनोल के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कर सकती हूं क्या है ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट में बेसिकली क्या होता है फिनोल लेती हूँ इसके रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ करती हूँ तो हम मुझे जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वो वायलेट रेड ग्रीन इस कलरफुल सा मिलता है थोड़ा तो यहाँ से मैं कन्फर्म कर पाऊंगी कि यहाँ पे फिनोल प्रेजेंट है अगर नहीं मिलता तो मतलब वहाँ पे एल्कोहल प्रेजेंट है मतलब एल्कोहल इस तरीके की रिएक्शन नहीं एल्कोहल अगर हमारे सैंपल में है तो हमें इस तरीके के कलरफुल सा कुछ कंपाउंड नहीं देखने को मिलेगा तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि भाई इसके अंदर फिनोल है या नहीं है ठीक है तो अल्कोहल और फिनोल को डिफ्रेंशियट करने के लिए मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ नेक्स्ट आता है हमारे पास लुकास टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन डिफ्रेंशियट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी एल्कोहल ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी एल्कोहल को सबसे ईजी तरीका हमारा लुकास टेस्ट रहता है डिफ्रेंशियट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना होता है अगर टर्चरी एल्कोहल है तो उसमें लुकास रिएजेंट रिएजेंट डालो। अभी लुकास क्या है? यही है, सी एल टू तो लुकास रिएजेंट जैसे ही मैं ऐड करती हूँ तो टर्चरी एल्कोहल जो है उसके केस में तुरंत मुझे पीपीटी या फिर टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन ऑप्टेन हो जाएगा अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज करती हूँ तो पीपीटी बनेगा लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रख के रखोगे ना थोड़ी देर तब बनेगा प्राइमरी अल्कोहल है अगर तो फिर वहाँ पर कोई पीपीटी नहीं बनेगा या फिर उसको कई देर गर्म करूँगी तब थोड़ा बहुत वहाँ पे पीपीटी दिखाई देगा तो यहाँ लुकास रिएजेंट की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ उसके बाद है विक्टरमीयर्स टेस्ट इसमें मुझे कुछ सर्टेन स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ठीक है तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो लास्ट में मुझे अलग रिजल्ट मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल के केस में अलग रिजल्ट मिलता है और टर्शरी के केस में अलग रिजल्ट मिल रहा होता है यहां पे मैं क्या देखती हूँ अल्कोहल की रिएक्शन मुझे I2 और फोस्फोरस के साथ करवानी है पहले स्टेप में चाहे कोई भी अल्कोहल हो ठीक है दूसरे स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट के साथ और तीसरे स्टेप में एच नाइट्रस एसिड के साथ में ठीक है ये तीन स्टेप जब मैं फॉलो करूंगी अगर मेरा प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो मुझे ब्लड रेड कलर लास्ट में मिलेगा ठीक है तीन स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो पहला मैं वही स्टेप करूंगी आई टू पी फिर वहां पे ए जी एन ओ टू फिर एच एन ओ टू डालूंगी फिर मुझे ब्लू कलर मिला तो दैट मीन्स वो सेकेंडरी अल्कोहल है ठीक है फिर से अगर मेरे पास सैम्पल गिवन है और मैंने पहले आई टू एंड फोस्फोरस से यूज किया देन ए जी एन नो टू एंड देन एच एन ओ टू तो मुझे कलरलेस नो चेंज नो चेंज इन कलर मुझे ऑप्टेन होता है देन वोट विल आई से कि ये हमारा टर्चरी अल्कोहल था ठीक है तो बेसिकली ये तीन स्टेप्स अगर मैं किसी केमिकल में डालती हूँ तो वहाँ से मैं कन्फर्म कर सकती हूँ कि वहाँ पर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्चरी अल्कोहल सा प्रेजेंट है कौन किसकी हेल्प से विक्टर मेयर टेस्ट की हेल्प से या फिर लुकास टेस्ट से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल ठीक है चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयोडोफोम टेस्ट के बारे में आयोडोफोम टेस्ट देने के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो ये देखो ये अल्कोहल भी दे सकते हैं ये कीटोन्स भी हमारे दे सकते हैं बस इनके पास एक जो मेन हमारा ग्रुप है ना कार्बोनिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप इसके साथ में यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए प्रॉपर सी एच थ्री मिथाइल ग्रुप अगर ये प्रेजेंट है देन इट विल गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉम टेस्ट ठीक है यहाँ पे मुझे क्या कहना होता है जो मेरी एल्कोहल है ये मान लो ठीक है यहाँ पे मैंने I2 और NaOH यूज किया तो मुझे दिख रहा है ना भाई कार्बन है इसके दो तरफ तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो जिस कार्बन के साथ हमारा यह मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन क्या होना चाहिए CH3 होना चाहिए तो मतलब यहाँ पे आयोडो रिएक्शन हो जाएगी जब मैं इसकी रिएक्शन आई टू एंड एन एच के साथ करवाऊंगी तो यहाँ पे मुझे किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आयोडोफोम का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा ठीक है ये जो आयोडोफॉर्म है ये हमारा येलो कलर का होता है सी एच आई थ्री जो हमारा ये वाला मिथाइल पार्ट होता है ना यही जाके क्या बनाता है ये CHI3, और जो बचा हुआ जितने कार्बन है उतने कार्बन का सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बना देना है सिंपली ठीक है तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव टेस्ट अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई ये दो कंपाउंड है तुम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है ये हमारा अल्कोहल वाला कार्बन है है ना इससे इस तरफ इतनी बड़ी चेन कार्बन की जुड़ी हुई है और इस तरफ हमारा मिथाइल ग्रुप है है मिथाइल ग्रुप यहाँ पर तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी बच्चों कि यहाँ पे आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव आएगा मतलब जब इसमें मैं आई टू और NaOH ऐड ओ करूँगी तो मुझे यहाँ पर येलो कलर दिखाई देगा ठीक है और यहाँ पे क्या है भाई ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इसके आसपास मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए उस कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है मतलब यहाँ पे कोई आयोडोफोम टेस्ट मुझे नहीं मिलेगा दिस इज हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड ठीक है यूजिंग आयोडोफोम टेस्ट सिंपल सा टेस्ट है आई और एन के साथ रिएक्शन करने पे येलो कलर कंपाउंड मुझे मिलना चाहिए उसके बाद अब हमारा आ जाता है क्या इथर इथर के बारे में हमें बात करनी है तो इथर सिंपल है हमारे एलिफेटिक भी हो सकते हैं एरोमेटिक भी हो सकते हैं और डायराइल इथर्स भी हो सकते हैं एलिफेटिक इथर मतलब देखो सबसे पहली बात तो इथर का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है दो तो दोनों तरफ हमारे कार्बन की चेन जुड़ी हुई होगी तो वो हमारा क्या बन जाता है बेसिकली इथर बन जाते हैं अब ये कार्बन की चेन बेंजीन वगैरह के कार्बन भी हो सकते हैं या नॉर्मल स्ट्रेट चेन के कार्बन भी हो सकते हैं और यहाँ से हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है किसका इथर्स का ठीक है तो इसी बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कुछ होते हैं एलिफैटिक इथर एलिफैटिक इथर का मतलब क्या होता है जब हमारे ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की चेन जुड़ी हो ठीक है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा ये हमारा क्या है भाई ये जो कंपाउंड है ये ये हमारा एक कार्बन का है तो क्या बोलेंगे इसको मिथोक्सी मिथोक्सी और ये हमारी चेन तो क्या हो जाएगा मिथेन तो मिथोक्सी मिथेन ये तो हो गया आयु के हिसाब से ठीक है ना ये यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे भाई दो कार्बन की चेन ये है दो कार्बन वाला ही सब्सिटेंट है तो क्या बोलेंगे इसको इथोक्सी इथेन इथोक्सी इथिन ठीक है इसको हमें क्या बोलना है देखो लॉन्गेस्ट चेन है हमारी ये ठीक है तो क्या बोलेंगे भाई वन टू थ्री सेकेंड पोजिशन पर हमारा मिथोक्सी प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे टू मिथोक्सी टू मिथोक्सी टू मिथाइल प्रोपेन तो इस तरीके से हमें बेसिकली इनका नाम भी लिख देना है ये तो हो गई हमारे कौन से तरीके से आई के तरीके से लेकिन अगर कॉमन नेम भी किसी का बताना हो तो मैं बोल सकती हूं ये क्या हो जाएगा डाई मिथाइल इथर है ना भाई दोनों तरफ मिथाइल है और बीच में क्या है इथर ग्रुप इसको क्या बोलेंगे इथाइल इथर ठीक है इसको क्या बोलेंगे भाई ये हमारा कैसा है देखो टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है इधर क्या है मिथाइल तो क्या बोलूंगी मैं इसको टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल और इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल एंड ईथर ठीक है तो ये जो हमारे तरीके हो गए ये कौन से हो गए कॉमन नेम के कि कॉमन अगर मुझे नेम लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ तो हम इजिली इनके नाम बता सकते हैं ठीक है ये हमारा क्या हो गया भाई दोनों तरफ फिनाइल की रिंग जुड़ी हुई है तो क्या बोलेंगे इसको बाय फिनाइल इथर बाय फिनाइल इथर इसको बोल सकती हूँ ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा ये है इथाइल तो इथाइल जुड़ा हुआ है बिल्कुल ये क्या है फिनाइल तो इथाइल फिनाइल इथर बोल सकती हूं इसको क्या बोल सकती हूं मिथाइल फिनाइल इथर मिथाइल फिनाइल इथर ठीक है बोल सकती हूँ कोई इसमें दिक्कत नहीं है ठीक है इस तरीके से मुझे इनके इनके बेसिस, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज समझ सकती हूँ क्या होते हैं स्ट्रक्चर की जब बात करती तो वही जिस तरीके से भाई में यहाँ पे दो तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं है तो ज्योमेट्री बेंट ही बेंट बोल सकती हूँ ना इसको मैं बिल्कुल तो ये बेंट हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे होती है इथर के केस में जो ऑक्सीजन है वो कौन सा एसपी थ्री हाइब्रेडाइजेशन शो कर रहा होता है तो ये हो गई कुछ बेसिक एंट्री वाली बातें अबाउट इथर्स अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या कि जो हमारे इथर्स होते हैं इनके प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं तो जब प्रिपरेशन की बात आती है तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ एल्कोहल ये रिएक्शन हमने सबने सब पढ़ी हुई है कि अगर मैं अल्कोहल लेती हूँ और अल्कोहल की रिएक्शन करती हूँ किसके साथ H2SO4, H3PO4 के साथ तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है बट देयर्स आ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर प्रॉपर देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है अगर टेम्परेचर 443 हंड्रेड है तो हमारा एल्कीन बनता है और चार सौ कर दिया तो इथर का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब ऐसे दो एल्कोहल के मोलिकूल आपस में रिएक्ट करेंगे एक एच टू यहां से बाहर निकलेगा और क्या बना लेंगे इथर बना लेंगे ठीक है जब मैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करती हूँ तो प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव देन देन सेकेंडरी एंड क्योंकि tertiary का तो मैं इथर बना ही नहीं पाऊंगी वो तो को में ही जाना प्रेफर कर रही होती है ठीक है तो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो है रिएक्टिविटी वो ज्यादा अच्छी होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर राइट उसके बाद अगर मैं अल्कोहल लेती हूँ और उसकी रिएक्शन करवाती हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 533 हंड्रेड तो भी यहां पे मुझे देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ इथर डायरेक्ट है सिंपल रिएक्शन है हमारी इसके थ्रू भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या विलियमसन सिंथेसिस. पे विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं इथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे हमें क्या करना होता है बेसिकली हमें यूज करना होता है एल्काइल हेलाइड का ठीक है एल्काइल हेलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आर ओ एन ए ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम एल्कोक्साइड इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो एन है वो बाहर आ जाएगा और किसका फॉर्मेशन दिखेगा हमें यहाँ पर इथर का फॉर्मेशन दिखेगा ठीक है सिंपल रिएक्शन है यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है वो एन ए पे पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्लोरीन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से अटैच होकर क्या बनाएगा इथर बनाएगा और दूसरा हमारा कंपाउंड जो है सोल्ट एन

निकल जाएगा तो ओ सी एच टू सी एच थ्री का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट इज इथाइल फिनाइल इथर क्या कंपाउंड हो गया ये इथाइल फिनाइल इथर जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे मुझे एक छोटे से कंडीशन ध्यान रखते हुए ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है क्या है वो कंडीशन कि अगर मैं यहाँ पर एल्काइल हेलाइड ले रही हूँ तो वो स्टेरिकली अनहिंडर्ड होना चाहिए मतलब उसके ऊपर भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए वो हम यूज कर सक करेंगे यहाँ पर ठीक है तो जैसे कि मैं ये रिएक्शन देखती हूँ यहाँ पे देखो आर एक्स मेरा नॉर्मल है कोई यहाँ पे सेकेंडरी या टर्चरी मैंने यूज नहीं किया एलकाइल हेलाइड और ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है ठीक है तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा इजिली जो है एल्काइल हेलाइड हमारा स्टेरिकली अनहिंडर्ड होना चाहिए ना वह यूज पर भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए तो यहां पे कंपाउंड क्या बन जाएगा सी एच थ्री और यहां पे ओ सी एच टू एंड सी एच थ्री ठीक है ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा इथर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो मेरा एल्काइल हेलाइड है वो बहुत हिंडर्ड है टर्चरी है ये है ना तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग इथर यहाँ पे मुझे ऑप्टेन हो जाता है क्या एल्कीन यहाँ पर मुझे एल्किन का फॉर्मेशन जो है न वो देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद मैं यहां पे नेक्स्ट देखती हूं क्या अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो यहाँ पर ओ एन ए है सी एस थ्री बी आर है तो अल्काइल हेलाइड तो बिल्कुल भी हिंडर्ड नहीं है ना तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल प्रोडक्ट मिल जाएगा और यहाँ पे ओ सी एच थ्री जो है वो मुझे मिलेगा जिस कंपाउंड को मैं क्या बोलती हूँ एनीसोल बोलती हूँ ठीक है हो गया हमारा मिल जाएगा हमें मिथाइल फिनाइल इथर ठीक है अब यहाँ पे देखो तो देखो भाई फिर हमें अल्काइल हेलाइड बहुत हिंडर्ड मिल रहा है भी भाड़ वाला है तो यहां पे हमारी कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी यहां पर भी अल्काइल हेलाइड भी भीड़ भाड़ वाला है और ये तो कुछ हो कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर भी फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी ये भी हमारा हिंडर्ड है तो फिर रिएक्शन फिर से हमारी प्रोसीड जो हम इथर बनाना चाहते हैं एटलीस्ट वो तो नहीं ही बन पाएगा इन थ्री केसेस में ठीक है तो सिंपल कंडीशन है कि जो हमारा अल्काइल हेलाइड यूज हम करेंगे वो बिल्कुल ही स्टेरिकली अनहिंडर्ड होना चाहिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम समझे तो बेसिक बेसिक दो तीन बातें हमें याद रखनी है और हायर मेंबर्स जो हैं वो हमारे उनके स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं अलग होती है ठीक है तो सेम यहां पर भी है लोअर मेंबर्स जो हैं वो गैसेज हैं इथर्स के केस में और हायर मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं उसके बाद है है जो वो स्लाइटली पोलर नेचर का होता है मतलब वहां पर पोलैरिटी है क्यों है क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोलिक्यूलिटी तो आ ही जाएगी ना तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पर हमारा आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आर पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों ही इस इस तरफ रहेगी तो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ठीक है डेंसिटी की बात करें तो काफी लाइट होते हैं लाइटर देन वाटर ये होते हैं इथर्स ठीक है ethers, अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सिंपल है ये केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे ना इनके तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते बहुत सारी रिएक्शंस हमें इथर के केस में देखने को नहीं मिलेगी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कुछ लिमिटेड uh, रिएक्शंस ही हैं इसके और एक दो उनमें से इम्पोर्टेंट है ठीक है जैसे कि हम सनलाइट की बात करें सनलाइट के प्रेजेंस में जब इथर को ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोपरोक्साइड का यहाँ पे परोक्साइड लिंकेज हमें देखने को मिलती है और इस तरीके के कंपाउंड हमें ऑप्टेन होते हैं हाइड्रोपरसाइड हमें ऑप्टेन होते हैं जब हम क्या करते हैं इथर्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंपल रिएक्शन है याद रखेंगे एज सच बहुत इंपॉर्टेंस इसका नहीं है बट फिर भी अब यहाँ पे हम देखते हैं इथर की रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए इथर की रिएक्शन अगर मैं हेलोजन एसिड के साथ करवाती हूँ एच एक्स के साथ दैट कैन बी एच सी एल एच बी आर वगैरह तो यहाँ पे हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन मुझे साथ में देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि ये जो आर ग्रुप है ना एल्काइल ग्रुप जो है ये अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है ये जो हमारा आर ग्रुप है यहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी है देन एस एन टू फॉलोड और अगर ये टर्चरी है देन then SN1 mechanism विल बी followed. ठीक है सिंपल पॉइंट है तो यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि यहाँ पे ये कंपाउंड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो मेरे आर ग्रुप हैं ये कैसे हैं प्राइमरी हैं तो प्राइमरी में एस टू मैकेनिज्म फॉलो होगा एस टू मैकेनिज्म क्या हो कहता है कि हमारा हेलाइड जो रहेगा नेगेटिवली निगेटिवली चार्जेसिस है वो कहाँ पे अटैक करने वाली है कहीं ना कहीं न्यूक्लियो जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइट पर जहां पर भीड़ कम होगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हमारा देखें अगर हम तो क्या है भाई एच पॉजिटिव है और आई नेगेटिव है तो जब न्यूक्लियो फिलिक रिएक्शन होती है तभी तो हमारा एस एन वन एस एन मैकेनिज्म वही तो हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियो कौन है आई नेगेटिव इट मीन मीन्स आई नेगेटिव जो है वो कहाँ जुड़ेगा तो हमने सिंपल देखा अगर आर ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी है तो एस एन टू मैकेनिज्म फॉलो होगा एस एन टू मैकेनिज्म हमें कहता है कि न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड साइट को प्रेफर करेगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो आई नेगेटिव है वो सी एच थ्री के साथ जुड़ना प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो जो प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन होगा वो क्या होगा सी प्लस में सी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपाउंड की यहाँ पे देखूँ अगर मैं तो ये हमारा जो है टर्चरी कंपाउंड है टर्चरी कार्बन है और ये हमारा प्राइमरी कार्बन है ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या हमें कंपाउंड ऑप्टेन होने वाला है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो आई नेगेटिव है वो किसको प्रेफर करेगा अगर हमारा टर्चरी प्रेजेंट है तो वहां पे हमारा एस एन टू एस एन वन होगा मतलब जो हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वहां पर हमारा आई नेगेटिव जुड़ेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री देन आई एंड देन हमारा सी एच थ्री ओ एच ठीक है यहां पर अगर मैं देखूँ तो मुझे पता है जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर इस तरफ से भी बट यहाँ पे जो फिनाइल ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो काफी स्टेबल है जिसकी वजह से आई नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक करूंगी ना बच्चों तो यहाँ पे ना ये कंपाउंड हमारा बनेगा फिनाइल कार्बोकेटाइन जो कि अनस्टेबल होता है इसलिए मुझे प्रेफरेंस करनी है इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सी एच थ्री आई प्लस ये हमारा कंपाउंड जो है वो बन जाएगा क्लियर है सबको नॉर्मल सा हमारा यहां पे ये रूल हमें फॉलो करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी दिखे तो एस एन टू मेकेो करो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ टर्सरी दिख जाए तो एस एन वन पे जाओ लेकिन प्रेफरेंस दो तो कि स्टेबल कार्बोका टाइम बन रहा है उस पर हमारा आई नेगेटिव फिर अटैक कर देता है ठीक है उसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस और देखते हैं इथर की तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है किसके साथ ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आर सी डबल ओ आर के दो मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये आर सी ओ इस ओ आर के साथ जुड़ के और ये आर सी ओ ओ इस आर के साथ जुड़ के दो एस्टर्स का फॉर्मेशन यहां पर कर लेंगे ठीक है PCl5 फाइव के साथ हमें आर सी एल हेलाइड प्लस में POCl3 सी एल थ्री देखने को मिल जाएगा एच टू ओ अगर इसके रिएक्शन में H2O के साथ करवाती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ डायलूट एच टू तो मुझे यहाँ पे एल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा क्लोरीन डार्क की प्रेजेंस में अगर करवाती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा भाई जो भी इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होगी उसके साथ इस तरीके से क्लोरीन जुड़ जाएगा ठीक है ठीक है फर्दर अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ फिर से अगर स्टेप में तो फिर क्या होगा यहाँ पे जो दूसरी तरफ वाला कार्बन है वहां पर हमें एक और क्लोरीन जोड़ते जो हम चले जाएंगे और अगर हमने बहुत बार क्लोरीनेशन किया या एक्सेस में क्लोरीन लिया तो हमें पर क्लोरो कंपाउंड भी देखने को मिल सकते हैं मतलब जितने भी हाइड्रोजन है दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप के वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय क्लोरीन एटम्स ठीक है तो बेसिकली बस इतना पता होना चाहिए कि क्लोरीन डार्क में क्या होगा ऑक्सीजन से अगले

हाँ है जैसे फिनोल हमारा ओर्थोपैरा डायरेक्टिंग है वैसे एनिसोल भी डायरेक्टिंग है तो ओर्थोपैरा वाले ही हमारे प्रोडक्ट बनेंगे तो एक तो हमारा बन जाएगा ओर्थोप्रोमो एनिसोल और दूसरा हमें मिल जाएगा यहाँ पे पैरा पैराब्रोमो एनिसोल और जिनमें से भी मुझे पता होना चाहिए कि जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होता है जनरली किससे ऑर्थो प्रोडक्ट से ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे एच एनओ थ्री के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाना चाहेंगे तब भी हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा एनिसोल है इसकी ओर्थो पोजिशन के ऊपर कौन जुड़ गया है यहाँ पे ओ एच सॉरी एनओ टू और पैरा पोजीशन पर भी हमारा एक नाइट्रो कंपाउंड मिल जाएगा हमें ठीक है यहाँ पे पैरा एन और यहाँ पे ओ सी थ्री यहाँ पे हमें क्या होगा ओप्टेन सी एच मतलब सिंपल है एल्काइलेशन हमें यहाँ पे करना है सी थ्री जुड़ जाएगा एक बार हमारा पैरा पोजीशन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा सी थ्री जो है वो जुड़ जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या होगा सिंपल सी बात है ये यहाँ पे हमारा एनी है उसके इधर सी जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर क्योंकि एसाइलेशन हो रहा है ना सिंपल सी बात है तो एसाइलेशन हो रहा है तो सी हमारा एक बार ओर्थो पर और एक बार पैरा पोजीशन पर हमें ज्वाइन करके दिखा देना है यहाँ पर हमने सारी केमिकल रिएक्शन फिनॉल से रिलेटेड अल्कोहल से रिलेटेड इथर से रिलेटेड पूरे जो रिएक्शन थी हमारी हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि कौन सा रहेगा हमारी सीरीज का, chapter, में, उसमें हम उसका करेंगे. Then, वही काम हमें करना है रिवीजन करना है को जब पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं बाकी हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है सो so, मिलते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट वन शॉट रिविजन क्लास में टिल गुड बाय टेक केयर